गुरुजी गौतम बुद्ध के जन्म के पहले भारत की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति क्या थी? भगवान गौतम बुद्ध के समय और उनके कुछ पहले भारत उत्तर भारत 16 जनपदों में बंटा हुआ था, मानो 16 राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से प्रमुख थे कोशल, मगध, अंग, काशी, वत्स, अवंती, ये सारे के सारे एक छत्र राज्य, राजा लोग राज करते थे इस पर। लेकिन साथ साथ गणतंत्र जनपद भी थे, जिनमें से सबसे प्रमुख था लिच्छवी वैशाली जनपद। ये राजनीतिक स्थिति थी उस समय की। सामाजिक स्थिति में ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था इस कदर समाज को जकड़े हुए थी कि उसे कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति आकर के ही उसमें सुधार कर सकता था। पुरोहित वर्ग इस कदर छा गए थे सारे समाज पर, कर्मकांडों का इतना बोलबाला हो गया था कि धर्म का जो सार है वो लुप्त हो गया। लोग धर्म धारण करने को इतना महत्व नहीं देते थे, इन कर्मकांडों को पूरा करने को ज़्यादा महत्व देते थे। आर्थिक दृष्टिकोण से देश कह सकते हैं समृद्ध था। उन दिनों में विश्व का जो व्यापार था उसका एक तरह से भारत केंद्र था। भारत के बड़े बड़े व्यापारी केवल भारत में ही व्यापार नहीं करते थे, भारत के बाहर पूर्वी देशों में, पश्चिमी देशों में उनके कारवां जाते थे। समुद्र तट के बंदरगाहों से नावें जाती थी और इस दृष्टिकोण से भारत अच्छा समृद्ध देश था। गौतम बुद्ध के परिवार और उनके वंश का इतिहास संक्षेप में आप जरा बताएंगे? भगवान गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंश में जन्मे, क्षत्रिय कुल में जन्मे। महाराज इक्ष्वाकु के 4 पुत्र और 5 पुत्रियां किसी घरेलू षड्यंत्र के कारण उन्हें वनवास दिया गया और उन्होंने जाकर के कपिल वस्तु में अपना राज्य स्थापित किया। और क्योंकि वो वनवासी होते हुए भी अपने रक्त को शुद्ध रखते हुए एक राज्यवंश की स्थापना की, इसमें सफल हुए, इसलिए शाक्य कहलाए। उन्हीं की एक शाखा कोली। भगवान बुद्ध शाक्यों के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। उनकी माता महामाया थी। शुद्धोदन ने गौतम बुद्ध के परिवार और उनके वंश का इतिहास क्या है, इसे जरा आप संक्षेप में बताएं। गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय कुल में जन्मे। महाराज इक्ष्वाकु के 4 पुत्र और 5 पुत्रियां रणवास के किसी षड्यंत्र के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया और इन्होंने जाकर के अपना नया राज्य स्थापित किया कपिल वस्तु में। बिना किसी मदद के अपने ही बल पर ऐसा राज्य स्थापित किया, ये बड़ा कठिन काम उनके लिए शक्य हुआ, इसलिए वो शक्य कहलाए। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। गौतम उस कुल का गोत्र था, इसलिए सिद्धार्थ गौतम। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। राजा शुद्धोधन के 2 रानियां थी, एक महामाया और एक महाप्रजावती। सिद्धार्थ गौतम महामाया के कोख से जन्मे, लेकिन महामाया की मृत्यु 7वें दिन हो गई प्रसव के बाद।
तो महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें दूध पिला के पाला। बुद्ध के जन्म के साथ कई चमत्कारों का वर्णन है कि जन्म के साथ ही वो सात कदम चले और सात घोषणाएं दी। इसमें ये कितना प्रतीक है, कितना तथ्य, अगर ये प्रतीक है तो किस बात का प्रतीक? वैसे तो महापुरुषों के जीवन के साथ बहुत सी चमत्कारिक बातें जुड़ जाया करती हैं। हम नहीं कह सकते कि ये सचमुच बाद में जुड़ी हुई कोई बात है या वस्तुतः है ऐसी कोई घटना घटी। ये माना जाता है कि वो सात कदम चल करके उन्होंने ये घोषणा की कि ये मेरा अंतिम जीवन है। तो उससे ये सिद्ध हुआ कि अनेक जन्मों तक अपनी पुण्य पारमिताएं पूरी करते करते अब इस जीवन में इस अवस्था पर पहुँचे कि सारी की सारी पारमिताएं परिपूर्ण हो गई हैं और इस जीवन में बुद्धत्व प्राप्त होगा तो आगे पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, इस बात की घोषणा। मैं समझता हूं कि इन चमत्कारिक बातों के लिए बुद्ध बुद्ध नहीं थे। चमत्कारों की बातें तो हमारे पुराणों में भरी पड़ी हैं। पुराण का हर महापुरुष चमत्कारों से महिमा मंडित है। बुद्ध की महत्ता तो इस बात में है कि उन्होंने जो बोधि प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया और उसके द्वारा स्वयं अपने आप को मुक्त कर लिया, शुद्ध कर लिया, बुद्ध कर लिया और उस ज्ञान का जो लोगों तक बांटना शुरू किया उस ज्ञान को और उसके द्वारा लोगों का जो कल्याण हुआ और आज तक हुए जा रहा है उसके कारण बुद्ध बुद्ध हैं। तो महत्ता उनकी बोधि की है, न कि इन चमत्कारों। वो सही हो तो भी ठीक और न सही हो तो भी ठीक। ये चमत्कार हैं क्या उनके बहुत बाद में उनके मानने वालों या उन्हें प्रेम करने वालों द्वारा जोड़े गए हैं? ऐसा है कि एक बहुत बड़ा साहित्य बुद्ध की अपनी वाणी का साहित्य है, उसमें जहाँ जहाँ चमत्कारिक बातें आई हैं वो तो पुरानी हैं, क्योंकि बुद्ध वाणी को बड़े सुनियोजित ढंग से सुरक्षित रखा गया। लेकिन बाद में बहुत सी पुस्तकें बुद्ध के जीवन पर बनी, उनमें बड़ी अतिरंजनाएँ हैं चमत्कारों की। ये चमत्कार उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसे चमत्कार उसमें जुड़े तो हम उसे मुस्करा कर एक और रखें। हर महापुरुष के साथ चमत्कार जुड़ जाया करते हैं। ऐसा कहते हैं कि बुद्धों की एक परंपरा रही है और बुद्ध उसमें से 25वें बुद्ध हैं संभवतः। ये बुद्धों की परंपरा क्या है, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, क्यों शुरू हुई और आगे ये जो परंपरा है आगे किस ढंग से चलने वाली है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसे किसी ने शुरू नहीं की। ये मानव की सबसे ऊंची उपलब्धि है। समय समय पर जिस किसी व्यक्ति ने अनेक जन्मों में अपनी पारमिताएं यानी पार उतरने के जो गुण हैं उनको पारमिता कहते हैं, उन गुणों का संचय संग्रह इस सीमा तक पूरा कर लिया, वो व्यक्ति बोधि प्राप्त करके मुक्त हो गया। तो ऐसे बहुत हुए पहले भी। भगवान बुद्ध ने उनकी वाणी में तो ये कहा कि मुझसे पहले इतने बुद्ध हुए हैं जो गिने नहीं जा सकते, जिनकी संख्या नहीं, और मेरे बाद इतने होने वाले हैं जिनकी कोई संख्या नहीं, क्योंकि ये भव चक्र न जाने कब से चले आ रहा है और ये भव चक्र न जाने कब तक चलता चला जाएगा। और उसमें इसी तरह से अंधकार में से कोई व्यक्ति अपनी बोधि जगा करके और प्रकाश फैलाएगा, ये क्रम चलता ही रहेगा। इसे कोई चलाने वाला व्यक्ति नहीं है, मनुष्य की अपनी मेधा है, उसकी प्रज्ञा है जो उसे इस अवस्था तक पहुँचा देती है। बुद्ध के पहले जो बुद्ध हुए ओके ऐसा कहते हैं कि बुद्ध अपनी परंपरा में 25वें बुद्ध थे। ये बुद्धों की परंपरा क्या है, ये कब शुरू हुई, किसने शुरू की, इसका कोई ऐतिहासिक आधार है या सिर्फ
जो बौद्ध ग्रंथों में या बुद्ध की वाणी में जो आता है वही उसका आधार है। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने से पूर्व जो बुद्ध हुए उनकी चर्चा की है, अपनी पारमिताएं परिपूर्ण करने के लिए अनेक जन्मों में से गुजरे, तो जिस किसी जन्म में उन्होंने किसी बुद्ध का साक्षात्कार किया, उनसे मिले, उनकी शिक्षा सुनी, उसका जिक्र आ गया, तो यूँ ये संख्या 24-25 की गिनी जाती है। लेकिन इतने ही नहीं है, ये तो पहली बार जब सुमेध नामक तपस्वी दीपंकर बुद्ध से मिला और वहाँ उसने ये निश्चय किया कि अब मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूंगा, भले कितने ही जन्म क्यों न लगे, कितने ही परिश्रम क्यों न लगे, तो इसके पूर्व भी तो अनेक बुद्ध हुए। बुद्ध ने स्वयं कहा कि मुझसे पहले इतने बुद्ध हो गए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकते, और मेरे बाद भी इतने होने वाले हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ये तो मानव की सबसे ऊंची अवस्था है, उसकी मेधा की सबसे ऊंची एक अवस्था है। एक व्यक्ति अपने सद्गुणों को बढ़ाते 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 ऐसे जीवन में आता है कि जहाँ वो अपनी बोधि प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये काम कभी भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। इनके नाम क्योंकि आए हैं इसलिए ये 24 गिने जाते हैं, लेकिन 24 की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसा भी कुछ कहते हैं कि कोई हर 2500 साल बाद कोई एक बुद्ध होता है, ये क्या कोई इसमें कोई तथ्य है इस गणित में? ना, 2500 वर्ष के बाद कोई बुद्ध नहीं होता। इस विशेष बुद्ध के लिए ये एक भविष्यवाणी की गई, ऐसी मान्यता है, बुद्धवाणी में कहीं नहीं है। अशोक के गुरु मोगली पुत्र तिस्स ने जब विश्व भर में जगह जगह अपने धर्म दूत भेजे, तो बर्मा को उन्होंने सोन और उत्तर नाम के दो अरहंत भेजे। जब उनको धर्म दे करके भेजा तो उसने यह भविष्यवाणी की कि एक समय आएगा जब भारत से ये विद्या लुप्त हो जाएगी, अन्य देशों से भी लुप्त हो जाएगी, पर तुम जिस भूमि में, जिस देश में जा रहे हो वो स्वर्ण भूमि है। उन दिनों उस देश को स्वर्ण भूमि कहते थे, और ये इतना अनमोल रत्न है, ये स्वर्ण भूमि उसे संभाल के रख पाएगी। 2500 वर्ष के बाद ये वापस लौट करके भारत में आएगी, भारत में स्थापित होगी और फिर सारे विश्व में स्थापित होकर लोक कल्याण करेगी। ऐसे उस संत की महावाणी, इसी महावाणी को कहते हैं बुद्ध घोष ने भी 1000 वर्ष के बाद फिर इसकी पुष्टि की कि बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद ये विद्या फिर भारत में आएगी और लोक कल्याण करेगी। ऐसी मान्यता है, लेकिन भगवान की वाणी में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धों की तरह जैनियों में भी तीर्थंकरों की परंपरा है कि उनमें भी 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या ये दोनों अलग अलग परंपराएं थी या एक ही परंपरा के दो अलग अलग रूप हैं? या बिल्कुल अलग अलग परंपराएं हैं। हाँ। दोनों से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उनकी नामावली, उनके जो तीर्थंकर हुए उनके नाम अलग हैं, और ये बुद्धों के जो बुद्ध सम्यक संबुद्ध हुए उनके नाम अलग हैं, इनसे कोई संबंध नहीं परस्पर। हिंदुओं ने जो अवतारों की कल्पना की या हिंदुओं में जो अवतारों की व्यवस्था है, क्या ये अवतारों की व्यवस्था भी वैसी ही है जैसे बुद्धों की परंपरा है या तीर्थंकरों की परंपरा है, या अलग? एक बात इसमें ध्यान देने की है कि अपने यहाँ पुराणों में जिन अवतारों की चर्चा आई है, बुद्ध के समय और बुद्ध के पूर्व के भारतीय इतिहास में कहीं उसका कोई वर्णन नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अवतारों की कल्पना जब पुराणों का निर्माण हुआ तभी इसकी कल्पना की गई। मानवता के इतिहास में बुद्ध का जन्म जो है एक तरह से संदेह का जन्म है, पुरानी मान्यताओं, विश्वासों और सिद्धांतों के खिलाफ एक बगावत का जन्म है। बुद्ध का जन्म ईश्वर की मृत्यु है, भाग्य की मृत्यु है। इस संदर्भ में बुद्ध के जन्म का महत्व, उसकी सामयिकता, उसकी उपयोगिता क्या है? ठीक कह सकते हैं कि उनका जन्म संदेह को लेकर के हुआ। मनुष्य का ये स्वभाव है मनन करना, चिंतन करना, किसी बात को अंधविश्वास से मान लेना, ये मनुष्य का धर्म नहीं, मनुष्य का स्वभाव नहीं। तो मनुष्य के अपने सहज स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार जो बात कहीं सुनी या पढ़ी उसको आंख बंद करके नहीं मान लेना, माने उसे संदेह की दृष्टि से देख करके उसका चिंतन करना, मनन करना,
और बुद्ध ने तो इससे आगे बताया कि उसका स्वयं अनुभव करना और तब उसके बाद ठीक लगे तो स्वीकार करना। तो इस माने में उन्होंने संदेह का जो एक वातावरण खड़ा किया कहिए, या मैं कहूँगा कि अंधविश्वास को दूर करने का एक वातावरण खड़ा करना, वो बड़ा स्वस्थ वातावरण था। और इसी तरह से ये जो मान्यताएं हैं ईश्वर को लेकर के, भाग्य को लेकर के, ये बुद्ध की शिक्षा में इनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा पुरुषार्थ की शिक्षा है। हर व्यक्ति अपने आप को दुखी बनाने का स्वयं जिम्मेदार है। अपने अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में अपने मन में विकार जगाता है और उन विकारों की वजह से व्याकुल होता है। ये अनेक जन्मों से ये क्रम किए जा रहा है, यही काम किए जा रहा है, तो इसका कोई दूसरा उसको दुख देने वाला नहीं है। वो अपनी अज्ञानता से अपने दुख का निर्माण करता है। उसे होश जाग जाए और वो इस अज्ञान के कारण विकार जगाने वाली आदत के इस स्वभाव शिकंजे के बाहर निकल आए तो अपना कल्याण कर लेगा, दुख के बाहर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं अगर मैं जिम्मेदार हूँ अपने विकार जगाने का और मेरी ही जिम्मेदारी उन विकारों को दूर करने की, तो फिर और किसी शक्ति की कहीं ज़रूरत नहीं। और भाग्य की बात मान लें कि ईश्वर कर्तृत्व की बात मान लें, तो फिर आदमी के पुरुषार्थ को कोई स्थान नहीं रहता। और धर्म तो मनुष्य को बड़ा पुरुषार्थी बनाता है, बड़ा पराक्रमी बनाता है। तो ही धर्म धर्म है और यही बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध को नास्तिक कहा गया है। पहली बात, क्या बुद्ध सच में नास्तिक थे? या नास्तिक थे तो उनके नास्तिक होने की व्याख्या क्या थी, या आस्तिक होने की व्याख्या क्या थी? आज के भारत में ये नास्तिक शब्द बहुत भ्रांति पैदा करने वाला शब्द हो गया। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में नास्तिक उसे कहते थे जो कर्म और कर्म फल के नैसर्गिक सिद्धांत को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति नास्तिक कहलाता था। और जो कर्म और कर्म फल के नैसर्गिक सिद्धांत को स्वीकार करता था और उसके अनुसार जीवन जीता था, वो आस्तिक कहलाता था। माने इस सिद्धांत की के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला आस्तिक, इसके अस्तित्व को न स्वीकार करने वाला नास्तिक। धीरे धीरे समय बदलता गया, कुछ सदियों के बाद नास्तिक शब्द का ये अर्थ कर दिया कि जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक, जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक। फिर और थोड़ा समय बीता और एक और व्याख्या शुरू हो गई कि जो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वो आस्तिक और नहीं स्वीकार करता है वो नास्तिक। तो जो उस समय की व्याख्या थी नास्तिक और आस्तिक की, उसके अनुसार बुद्ध बहुत बड़े आस्तिक थे। और आज भी हम शुद्ध धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो जो व्यक्ति धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसके अनुसार स्वयं अपना जीवन ढालता है, उससे बड़ा आस्तिक और कौन होगा? अगर हम थोड़ा जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनकी तरफ निगाह रखें, ग्रीस में सुकरात, डायोजनीज, हेराक्लिटस, इस्लाम में सूफियों की परंपरा रही है, चीन में लाओत्से और च्वांगसू, ज्यूज में जीसस क्राइस्ट, ये सब लोग जो हुए हैं अपनी अपनी परंपराओं में, इनमें और बुद्ध में बुनियादी फर्क क्या है, या ये एक ही विशाल परंपरा के अलग अलग हिस्से हैं? बेस एक ही है। चित्त को शुद्ध करने का काम जो व्यक्ति जितना जितना करने में सफल होता है उतना उतना संत हुए जा रहा है, और संत होगा तो उसका सारा जीवन अपने ही कल्याण के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए लगेगा। हर व्यक्ति जो संत होता है, जो वो भीतर से अपने मन को एकाग्र भी करता है, उसे निर्मल करने का काम करता है। अब वो निर्मल करने का काम किसका कितना हुआ, ये हम मापदंड लेकर के नहीं बैठना चाहते, क्योंकि इससे इस तुलना में हम किसी को अच्छा किसी को बुरा बताएंगे, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे संत जिनके नाम गिनाए गए, सब ने अपने चित्त को निर्मल करने का काम अवश्य किया और उस निर्मलता के बल पर उन्होंने लोक कल्याण का काम किया।
बुद्ध की विशेषता ये है, इस माने में है कि उन्होंने इस सारे प्रपंच का अनुभव के द्वारा जानकारी कर ली कि किस प्रकार ये सारा भव चक्र चलता है, किस प्रकार बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, और कैसे इसके बाहर निकला जा सकता है, कैसे दुख का हमारे भीतर प्रजनन होता है, उसका संवर्धन होता है, और कैसे उसे रोका जा सकता है और उसका उसे दूर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बुद्ध की थी। इसमें दो सवाल उठते हैं। बुद्ध ने शुरू किया दुख से, इसीलिए उन पर दुखवादी होने का भी आरोप है। कुछ और लोगों ने शुरू किया सत्य की खोज से, किसी और की खोज समाधि की या मोक्ष की या अलग अलग, शायद अलग अलग शब्द हैं और चीज एक ही है, या शायद चीज ही अलग अलग, मुझे पता नहीं। तो मैं आपसे इसका उत्तर चाहूंगा कि ये बुद्ध का जो दुखवादी होना है, या जो आरोप है कि दुखवादी थे, और दूसरों की सत्य की खोज या समाधि की खोज या कुछ भी नाम दे ईश्वर, ये क्या अंतर क्यों है और ये क्या अंतर है? ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है बुद्ध के बारे में। यूं लोग मानने लगे कि बड़ा पैसिमिस्टिक है, निराशावादी है, दुख ही दुख की बात करता है, सारे संसार में दुख ही दुख है। अगर वो यही कह के रह जाता कि सारे संसार में दुख है भाई, इसका कोई निस्तार नहीं, इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो सचमुच बड़ा दुखवादी होता। लेकिन वो कहता है कि संसार में दुख होते हुए भी देख, इसके बाहर निकलने का इतना सरल तरीका है, और वो मैंने खोज निकाला है, और वही सत्य की खोज, वही अंतिम सत्य की खोज, परम सत्य की खोज, उसको नाम चाहे सुधो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, परमार्थ कहो, उस अवस्था की खोज करके ही वो जान सका कि संसार में केवल दुख ही नहीं है, दुख के बाहर निकलने का तरीका भी है, क्योंकि दुख का कारण जान लिया, उसका निवारण का तरीका जान लिया, और दुख के बाहर निकल गए। गौतम बुद्ध ने दुख से शुरू किया, दुख निरोध या दुख से मुक्ति का उपाय या जो भी है, इसलिए उनको दुखवादी भी कहते हैं। उनका सारा चिंतन एक तरह से नकारात्मक, लोग कहते हैं कि निगेटिव है। दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं, उनकी खोज, उन्होंने अपनी खोज को सत्य की खोज, या किसी ने कुछ और नाम दिया, मोक्ष नाम दिया, सटोरी किसी ने कहा, कुछ कहा, ये सब एक ही चीजें हैं या अलग अलग नाम है एक ही चीज के, या अलग अलग चीजें हैं, ये फर्क क्या है और क्यों है, और बुद्ध ने दुख से क्यों शुरू किया? कोई रोगी हो और उसके पास कोई वैद्य जाए, तो पहला काम तो उसका यही है कि उसको जाने कि ये रोग है, क्या रोग है। जो आदमी क्या रोग है इसी को नहीं जानने का प्रयत्न करेगा, वो चिकित्सक कैसा हुआ। तो बुद्ध जैसा चिकित्सक पहली बात तो ये देखेगा कि सारे समाज में देखो ये रोग फैला हुआ है, ये दुख फैला हुआ है। अगर वो चिकित्सक ये कहे कि भाई तुझे ये रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, तो सचमुच बड़ा निराशावादी है ऐसा चिकित्सक। और बुद्ध भी केवल ये कह के रह जाते कि संसार में दुख ही दुख है, तो सचमुच बड़े निराशावादी होते। बुद्ध जैसा कोई आशावादी व्यक्ति विश्व में पैदा नहीं हुआ। चारों ओर दुख है, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, उन सारे दुखों से बाहर निकलने के लिए उसने रास्ता खोज दिया। ऐसा वैद्य है जो सारे रोगों का इलाज उसने ढूंढ लिया कि इस इलाज से तेरा रोग दूर हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, तू तो दुख मुक्त हो जाएगा। अब कोई नाम देता है सत्य की खोज, या कोई नाम देता है मोक्ष या कुछ, तो बात वो की वो है कि हम बंधन में हैं तब तो मोक्ष की खोज करते हैं ना। तो बात वही हुई कि एक आदमी बंधन में है, तो बंधन किस कारण से है, इसका निवारण कैसे हो सकता है, बिल्कुल यही बुद्ध ने किया। सच्चाई को खोजते खोजते वो उस अवस्था पर पहुंच गया कि जिसने जिस अवस्था में सारे भव चक्र का प्रपंच उसके समझ में आ गया, किस तरह से ये भव चक्र चलता है, ये दुख चक्र चलता है, और कैसे इसका नाश किया जा सकता है दुख चक्र का, और इसके बाहर कैसे निकला जा सकता है। निराशा को कहीं स्थान नहीं, दुख को कहीं स्थान नहीं, दुख के बाहर निकलने का ही रास्ता है सारा। इस संदर्भ में एक दूसरा जो सवाल है, जैसे भक्ति मार्ग है, वो भी एक लोगों ने रास्ता खोजा है या निकाला है, और काफी लोग उस रास्ते पे गए,
बुद्ध का रास्ता एक रास्ता है, ये जो भक्ति मार्ग का रास्ता है उसका मनोविज्ञान क्या है, वो क्यों, एक तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो रास्ता काफी सफल रहा है, अधिकांश जो लोग हैं उसी रास्ते पे शायद जाना आसान समझते हैं, आसान पाते हैं, आखिर उस रास्ते का मनोविज्ञान क्या है जिसकी वजह से इतना आकर्षण है उसके लिए। मनुष्य जब विभिन्न प्रकार के दुखों से व्याकुल हो उठता है और उसे उस दुख के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता, तब वो ये चाहता है कि कोई और मुझे दुख के बाहर निकाल दे। मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, इतना कायर हूँ, इतना दुर्बल हूँ, इतना अशक्त हूँ कि मैं अपने आप अपने को मुक्त नहीं कर सकता, तो ढूंढता है किसी अन्य शक्ति को, किसी देवी को, देवता को, ईश्वर को, ब्रह्म को, अल्लाह मियाँ को, किसी को ढूंढता है कि कोई मुझे मुक्त कर दे। ये भक्ति मार्ग हुआ, इसका अपना लाभ है। लाभ इस माने में है कि जितनी देर वो उस भक्ति में रहता है उतनी देर उसके चित्त में और विकार नहीं जागने पाते, क्रोध नहीं जागता, द्वेष नहीं जागता, आसक्ति नहीं जागती इत्यादि, भय नहीं जागता, वो समझता मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन बुद्ध ने ये सारी बातें देखी और देखा कि ये तो मानस के ऊपर ऊपर के हिस्से को डाइवर्ट करने की बात हुई, हम समस्याओं से पलायन कर रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे, हमें अपनी समस्या की जड़ों तक जाना होगा तो उसका सामना करना पड़ेगा। हम दुखी हैं इसलिए अपने मन को किसी और बात में लगा दें, किसी और व्यक्ति में लगा दें तो एक बार तो लगेगा कि हम दुख के बाहर आ गए, लेकिन जड़ें हमारी उसी प्रकार दुखी हैं। तो बुद्ध ने ये खोज की कि जड़ों तक जाओ, दुख कहाँ उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, उसके कारण को देखो और जड़ों से उस कारण को निकालो, मुक्त हो जाओगे तो किसी पर आलंबित होने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये दोनों में भेद है। अगर हम तो हम अगर बुद्ध की तरफ से देखें तो जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं वो शायद एक तरह की शराब है जो अपने दुख को भूलने के लिए, हाँ, किसी को अपने आप को भुलाने के लिए, किसी को बुरा न लगे तो यही कहना चाहिए, जब जीवन का दुख उभरता उसे दबाता प्याले से। तो यही है कि जब हमारा दुख उभरता है तो हम मैखाने में जाकर के प्याला न उठाएं, हम इस भक्ति के आवेश में आकर के अपने आप अपना दुख भुलाने का काम करते हैं, उसका लाभ हुआ है। मैखाने में जाकर के शराब का प्याला पी लेना और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये नहीं कहता मैं कि ये भक्ति मार्ग शराब खाने के जैसा है, लेकिन ये बात सही है कि हम पलायन कर रहे हैं। शराब पी करके अपने दुखों को भुलाने वाला व्यक्ति भी वही पलायन करता है जो कि अपने दुखों को भुलाने के लिए किसी भक्ति मार्ग में डूबने वाला व्यक्ति करता है, सामना नहीं करता। वैज्ञानिक ढंग से हम सामना करें तो बिल्कुल भिन्न मार्ग है ये मुक्ति का, कि हम अपने दुखों की जड़ों तक जाएं और वहां जाके देखें ये विकार जागते हैं, तब दुखी होता हूं मैं, तो ये विकार क्यों जागते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इनकी जड़ें कैसे उखाड़ी जा सकती हैं, और इनको उखाड़ करके जब मुक्त होगा दुख का नामो निशान नहीं रह जाएगा, पलायन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि यानी बुद्धि की निगाह से देखें तो जो भक्ति मार्ग है ये शायद ऐसा लगता है कि अपने आप को भुलाने की कोशिश है या कुछ भूलने की कोशिश है, न चाहे। दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू भी है कि जो लोग भक्ति मार्ग से चले उनमें भी लोग संत हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण किया है अपने अपने ढंग, इसके बारे में आपकी क्या दृष्टि है? ये बिल्कुल सच है कि जब जीवन में दुख उभरता है तो एक सामान्य साधारण व्यक्ति अपने आप को दुर्बल मान करके किसी सहायक को ढूंढता है, और यही भक्ति मार्ग है कि मुझसे नहीं होगा, आप मुझे किसी तरह से तार दीजिए, मुझ में हजार दोष हों तो भी आप तो मुझे मुक्त कर ही सकते हैं, इस भाव में भक्ति चलती है। अब जबकि चित्त हमारा भक्ति में लगा है तो जितनी देर भक्ति में लगा है उतनी देर वो इस तरह के विकार नहीं पैदा करता जो कि हमें व्याकुल बना दें और औरों को व्याकुल करने के कारण बना दें, इसलिए वो व्यक्ति का चित्त जितना शांत हुआ उतना वो संत हुआ। भारत में जो संत परंपरा है और उनकी हम वाणी देखते हैं, कबीर की देखें कि नानक की देखें कि दादू की देखें,
उनकी वाणी में बुद्ध की विपश्यना इतनी गहरी समाई हुई है कि मुझे लगता है कि वो अनेक जन्मों से विपश्यना करते आए और इस जीवन में भी भीतर ही भीतर विपश्यना भी चल रही है और साथ साथ ही भक्ति का मार्ग भी अपनाया है, तो उन गहराइयों तक भी उन्होंने अपने विकार निकालने का कुछ काम किया है तो संत हुए, लोक कल्याण हुआ। लेकिन मुख्य बात यह है कि समस्याओं से दूर भागने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, समस्याओं का सामना करना होगा। क्या कठिनाई है, क्यों हम व्याकुल हो जाते हैं, क्यों अपने आप को हीन समझने लगते हैं, असहाय समझने लगते हैं, उसका साक्षात्कार करना शुरू कर दे उन गहराइयों में जा करके, तो मालूम होगा कैसे हम विकार जगाए जा रहे हैं, क्षण प्रतिक्षण विकार जगाए जा रहे हैं, उन विकारों का संवर्धन किए जा रहे हैं और व्याकुल हुए जा रहे हैं। और उन विकारों का जगाना इस प्रकार रोका जा सकता है, उनका नितांत निष्कासन किया जा सकता है, चित्त नितांत निर्मल हो जाएगा तो संत हो ही गया। तो बुद्ध ने जो देखा कि अगर हमें समस्या का समाधान करना है तो पलायन न करके उसका सामना करें, और दुखों से मुक्त होना है तो जड़ों तक जा करके मुक्त हों, ऊपर ऊपर से मुक्ति की बात ना हो, ये अंतर है। यही वजह है कि शायद भक्ति के मार्ग पे जो आम एक जो आदमी था उसमें कहीं ना कहीं एक पाखंड भी आने लगा कि आप जीवन में कितनी भी बुराइयां करें, गलतियां करें, कुछ भी करें, एक आरती कर लिया और काम हो गया, या दो चार बार नाम ले लिया और काम हो गया, कथाएं हैं कि मरते वक्त गलती से भी नाम ले लो तो मुक्त हो जाएगा, तो ये जो पाखंड आया खासतौर से भारत में, इसके पीछे क्या ये वजह रही होगी? ये भी रहा ही, क्योंकि जिन लोगों को ये नाम लेकर के तर जाओगे, ये विद्या लोगों को सिखानी थी, तो सचमुच उन्हें ये कहना ही पड़ा कि उल्टे सीधे चाहे जैसे नाम लो, तुम नाम लोगे तो तुम्हें कोई तार ही देगा। तो इस मारे लोगों के मन में ऐसी बात उठ गई कि बस नाम ले लो और मैं तर जाऊंगा, अब मेरे कर्म चाहे जैसे हों, ठीक हों या गलत हों, क्योंकि मैं नाम ले रहा हूँ, सुबह उठ करके मैंने नाम ले लिया, दिन में नाम ले लिया, रात को नाम ले लिया, मैं नाम ले रहा हूँ, इसलिए मेरी मुक्ति तो निश्चित है। नाम लेना इस माने में कल्याणकारी है कि एक शब्द को भीतर ही भीतर बार 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 दोहराते जाएंगे, चित्त एकाग्र होता चला जाएगा, वो एकाग्रता का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन ये मान ले कि नाम लेने मात्र से कोई ऐसा ईश्वर है कि कोई देवी है कि कोई देवता है वो हम पर खुश होकर हमको तार देगा, तो मैं तो समझता हूँ कि हम उस देवी देवता ईश्वर का अपमान कर रहे हैं कि उस बेचारे को इसी बात की शौक है कि लोग मेरा नाम लें और मैं मुक्त हो जाऊँ। तो इस बात को जो सही ढंग से चली होगी उसे मुझे लगता है बिगाड़ दिया गया, और उसमें इस तरह के पाखंड और ये सारे चले। पाखंड तो कहीं भी चल सकता है, बुद्ध की शिक्षा में भी विपश्यना के नाम पर न जाने कितने लोग ढोंग करने लगे, तो क्या करोगे आप, करने ही लगेंगे। बात तो ये है कि लोग समझदारी के साथ अपना भला साधने के लिए सचमुच मुझे क्या करना है जिससे सचमुच मैं दुख के बाहर निकल आऊँ, ये समझ करके काम करेगा तो ढोंग नहीं होगा, पाखंड नहीं होगा, अन्यथा तो उलझ ही जाएगा। इस पाखंड में एक दूसरा पहलू भी है, और खासतौर से भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये कि ये जो चापलूसी या खुशामद जैसी चीज़ है, चाहे वो ईश्वर की खुशामद हो या किसी सरकारी अफसर की, उसकी जड़ें वहीं पे हैं जहाँ से यह सब शुरू हुआ। तो आज के भारत को देखते हुए जैसा हम पाते हैं, और शायद एक हद तक ये खुशामद और चापलूसी इस बात के लिए जिम्मेदार हुई कि हम बाकी और देशों से मुकाबले खड़े नहीं हो सके, बजाय कि अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ने के, अभी भी लोग खुशामद और चापलूसी के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो हमारा एक संस्कार बन गया, एक तरह से हमारी संस्कृति बन गई, और कहीं ना कहीं उसकी जड़ें उसी चीज़ में हैं जिसे हम भक्ति मार्ग का पाखंडी स्वरूप कहते हैं, कह सकते हैं। हाँ, ये बात बहुत कुछ अंशों में सही है। मैं बुद्ध की शिक्षा के प्रति जो आकर्षित हुआ उसका एक बड़ा कारण यही था कि ये व्यक्ति हमें कर्मठ होना सिखाता है, ये व्यक्ति हमारे सिर पर हमारी जिम्मेदारियों का बोझ डालता है कि तेरी जिम्मेदारी है मुक्त होने के लिए, तेरी जिम्मेदारी है दुख के बाहर निकलने के लिए, कोई दूसरा इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा, मैं भी नहीं उठाऊँगा,
मैं केवल रास्ता बताऊंगा, चलना तुम्हें होगा, मुक्ति तुम्हें प्राप्त करनी होगी। ये बात जो है ये सारे राष्ट्र को कर्मठ बनाने वाली बात है। और दूसरी ओर हम ऐसे असहाय हो जाएं कि ईश्वर भरोसे वही कर देगा, हमसे तो क्या होने जानी है, हम तो बड़े गए गुजरे हैं, बड़े पतित हैं, कोई और हमारे लिए कर देगा, कोई हमारे लिए और कर देगा। मैं समझता हूँ कि इससे तो हानि ही होती है, इससे लाभ नहीं होता। दूसरी तरफ जो बुद्ध की दृष्टि है उसका भी एक ऐसा पहलू है जो भटका सकता है, वो है कि वो व्यक्ति को अहंकारी बना सकता है कि सब मैं ही करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद मुक्त हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ कितनी अच्छाई के साथ चली और बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक जा पहुँची। गंगा का पानी गंगोत्री से निकला कितना निर्मल, पारदर्शी, नीचे के पत्थर तक दिख जाए, लेकिन गंगा सागर तक पहुँचते पहुँचते कितना मैला हो गया, गंगा का पानी वही है। तो कोई भी शिक्षा अगर उसे ठीक से उसका उपयोग नहीं किया गया तो ऐसी ही मैली हो सकती है, दूषित हो सकती है। बुद्ध की शिक्षा को, कर्मठ बने रहने की शिक्षा को बुद्ध ने कैसे सिखाया, ये होश बना रहेगा तो पहली बात बुद्ध ने अनात्म की सिखाई कि अहम तेरा नहीं नष्ट होगा, अहम भाव नहीं नष्ट होगा, तेरा पुरुषार्थ निकम्मा पुरुषार्थ है, फलदायी नहीं होगा। तो तुझे अपने अहम को नष्ट करने के लिए सारा काम करना है। मैं किसको मैं कह रहा हूँ, ये मैं की बात है कहाँ भीतर, ये बड़ा भ्रम है मैं का, इसे देख। तो देखते देखते जब ये अहम पिघलता है तो ये दूषण जो आ सकता है ये दूषण अपने आप नहीं आएगा, इससे बच जाएंगे। और ये भी कर्मकांड बन गया कि चलो विपश्यना के एक 10 दिन के शिविर में हुआ है, अब हमने तो ये कर्मकांड पूरा कर दिया, बुद्ध भगवान की कृपा हो जाएगी, हमको तो तार ही देंगे, तो बिगड़ेगा ही। यहीं पे आपने कहा बुद्ध भगवान, लोगों ने बुद्ध को भी भगवान बना दिया। बुद्ध की दृष्टि में भगवान शब्द का अर्थ क्या था, बुद्ध भगवान को किस ढंग से देखते थे या नहीं देखते थे? गौतम बुद्ध ने अपने आप को वैद्य कहा है, मगर दूसरे लोगों ने या उनसे प्रेम करने वालों ने उनको भी भगवान बना दिया, भगवान बुद्ध कहते हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं ने भी उन्हें अपने अवतारों की श्रेणी में जोड़ लिया। भगवान शब्द बुद्ध के लिए क्या मायने रखता था या कोई मायने नहीं रखता था? बहुत मायने रखता था। आज भगवान शब्द का अर्थ हमने ऐसे कर लिया जैसे कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है जो इस सृष्टि को रचने वाला है, उसका पालन करने वाला है, उसका संहार करने वाला है, हम हजार दुष्कर्म करें तो भी उसकी कृपा हो जाए तो हमें तार देने वाला है, ये भगवान के अर्थ हो गए। 2500 वर्ष पूर्व के भारत की जनभाषा में ये अर्थ नहीं थे। वहाँ भगवान की व्याख्या ये दी गई, भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा। जिसने अपना सारा राग भग्न कर लिया, जिसने अपना सारा द्वेष भग्न कर लिया, जिसने अपना सारा मोह भग्न कर लिया, वो मुक्ति के ऐश्वर्य में जीवने वाला व्यक्ति भगवान कहलाता था। तो जो वीत राग हो गया, वीत द्वेष हो गया, वीत मोह हो गया, वो भगवान ही हुआ। लेकिन आज हम इस अर्थ का कोई दूसरा ही माने में इसका उपयोग करने लगे तो इसमें बुद्ध को भगवान कहने वाले लोगों का दोष नहीं है। बुद्ध तो भगवान है ही, क्योंकि उन्होंने सारा राग, सारा द्वेष, सारा मोह, सारे विकार भग्न करके मुक्त अवस्था तक पहुंच गए। राकेश, यहाँ से वन लास्ट क्वेश्चन। वो एक हिस्सा रह गया था राकेश। हाँ वो हिंदुओं ने बुद्ध को भी अपने अवतारों में जोड़ लिया, इसके बारे में आपकी क्या दृष्टि है? मैं तो कहूंगा कि बुद्ध जैसा ऐतिहासिक व्यक्ति जो भारत के लिए नहीं सारे विश्व के लिए जिसने ऐसा जीवन जिया कि जो औरों के लिए आदर्श बन सके, उस रास्ते पर चल करके लोग अपना कल्याण कर सके, ऐसे व्यक्ति को किन्हीं
पौराणिक लोगों के साथ मिला के बैठा देना बुद्ध की शिक्षा का अपमान करना है। समझ नहीं पाए हम बुद्ध को। जो व्यक्ति हमें अपने दुखों के बाहर निकलने का काम करता है, मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदर्शक है। अवतार बनाते ही उसका रूप जैसे मुक्तिदाता हो गया, अब ये भी औरों की तरह मुक्ति देगा हमें, जबकि वो मार्गदाता है, रास्ता बताता है, इस रास्ते चलो मुक्त हो जाओगे। तो उसकी शिक्षा को पलट देंगे अगर ऐसा करने लगे तो, उससे बचना चाहिए। बुद्ध पर आरोप है कि वे भगोड़े थे, उन्होंने परिवार तोड़े, लोगों को आलसी बनाया, विवाह की संस्था को नुकसान पहुंचाया। उनकी वजह से एक बड़ा युवा वर्ग, जिसकी युवा शक्ति समाज के लिए रचनात्मक होती, निष्क्रिय हो गई। सिर्फ निष्क्रिय ही नहीं, समाज के ऊपर एक बोझ हो गई। इस विषय में आपका क्या कहना? सदियों से इस तरह की बातें सुनते 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 हमने अपने मानस पर ऐसे लेप लगा लिए कि हम इसी दृष्टि से बुद्ध को देखने लगे। उसके जैसा कर्मठ व्यक्ति मिलना मुश्किल है। निवृत्ति के मार्ग पर चला, इसमें कोई संदेह नहीं, सत्य की खोज में निवृत्ति के मार्ग पर चला। घर बार में रह करके वो खोज हो नहीं सकती थी, इसलिए घर से बाहर निकल करके उसको कोई रास्ता ढूंढना था कि कैसे इस दुख चक्र के बाहर प्राणी निकल सकता है। इसकी खोज उसने की, तो इस खोज के लिए उसे बाहर निकलना जरूरी था। लेकिन फिर तो ऐसी निवृत्ति मार्ग क्या, ऐसा प्रवृत्ति मार्ग में पड़ गया कि सारा जीवन प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति। रात को मुश्किल से 2-3 घंटे आराम करे, बाकी सारा समय लोक सेवा, कर्मठ बनाया। ये जो एक आरोप उस पर लगा कि लोगों को भिक्षु बना करके अकर्मण्य बना दिया, समाज पर बोझ बना दिया, तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि बुद्ध के शिष्यों में 1% भी भिक्षु भिक्षुओं की संख्या नहीं है, उससे भी कम। जैसे आज के पड़ोसी देशों में देखें, ब्रह्म देश में 4 करोड़ की आबादी है और मुश्किल से 1 लाख भिक्षु हैं, तो क्या परसेंटेज हुआ? तो सारा देश कैसे निष्कर्मण्य हो जाएगा? और ये भिक्षु इतने कर्मठ कि आज भारत के मुकाबले ब्रह्म देश में 100% साक्षरता है। और इन भिक्षुओं की वजह से हर गांव में एक विहार है जहां एक या एक से अधिक भिक्षु रहता है, और हर बच्चे को वो कैकेगा भी पढ़ाता है, और बाकी सारी माने भूगोल भी, इतिहास भी, और धर्म शिक्षा भी, सब तरह की शिक्षा देता है। स्कूलें चल रही हैं, इस तरह की विहार चल रहे हैं, कितना कर्मठ है। और सबसे बड़ी कर्मठता तो एक भिक्षु की ये होती है, सही माने में अगर वो भिक्षु हो तो, वो भी भिक्षु होने का ढोंग करे तब तो कोई बात नहीं बनेगी, सही माने में भिक्षु है तो, जिस वक्त वो अपने भीतर अंतर्मुखी होकर के सच्चाई का दर्शन करता है तो जो तरंगे बाहर भेजता है वो शांति की तरंगे हैं, मैत्री की तरंगे हैं, करुणा की तरंगे हैं। ये जो वायुमंडल में प्रदूषण हो रहा है, और बाकी भौतिक प्रदूषणों को एक और रखें, हमारे क्रोध का प्रदूषण, हमारी ईर्ष्या का प्रदूषण, हमारे अहंकार का प्रदूषण कितना व्याकुल बनाता है सारे वातावरण को। और यहाँ एक व्यक्ति उस वातावरण के इस प्रदूषण को दूर करने का काम कर रहा है, कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। और फिर वो स्वयं जैसा जीवन जीता है वैसा जीवन जीने के लिए गृहस्थों को रास्ता बताता है। गृहस्थ रहते हुए भी ऐसा जीवन जी सकते हो, कठिनाइयाँ जरूर आएगी, गृहस्थ के सिर पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, एक सन्यासी या भिक्षु के सिर पर उतनी जिम्मेदारियाँ नहीं, वो ज़्यादा समय दे सकता है अपनी साधना के लिए, लेकिन रास्ता तो वही है, सबके लिए वही रास्ता है। बुद्ध के भी करोड़ों की संख्या में जो उनके अनुयायी थे सारे गृहस्थ ही थे, बहुत थोड़ी संख्या में भिक्षु हुए। फिर अगर ये बात थी तो अब जैसे जो बुद्धों की परंपरा है उसमें ये है कि जो बुद्ध होगा वो घर छोड़ेगा, ये शायद ये एक शर्त है सम्यक सब बुद्ध होने की। बिल्कुल। और जब घर छोड़ना ही तो था तो उन्होंने विवाह क्यों किया? इसलिए कि घर छोड़े बिना तो उन गहराइयों में जाकर के किसी सच्चे मार्ग की खोज हो नहीं सकती, घर बैठे हो नहीं सकती। अब विवाह करके गृहस्थ का जीवन थोड़ा सा जी लिया तो इस काबिल हो गए कि अब वो सारी समस्याओं को अनुभूति से समझ रहे हैं और उनका समाधान अनुभूति से समझ रहे हैं। अन्यथा वो व्यक्ति केवल भिक्षुओं के ही काम का होता, जो विवाह नहीं करते हैं उन्हीं के काम का होता। अब क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में से निकला है,
परिवार के साथ रहा है, परिवार की सारी समस्याओं को समझ रहा है, तो इसलिए वो उनकी सारी समस्याओं का समाधान उसके पास है। तो जो शिक्षा भिक्षुओं को दी उससे कहीं अधिक शिक्षा गृहस्थों को दी कि किस प्रकार एक गृहस्थ आदर्श जीवन जी सकता है, धर्म का जीवन जी सकता है और अपने दुखों के बाहर आ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, औरों कल्याण में शामिल हो सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि वो स्वयं भी एक गृहस्थ का जीवन जी करके निकले। इसके कुछ उदाहरण देंगे जो उन्होंने परिवार के आपसी संबंधों के बारे में बुद्ध ने जो कुछ कहा हो, कोई वाणी हो बुद्ध की? बहुत हैं। पति पत्नी का परस्पर संबंध किस प्रकार का हो, पिता पुत्र का संबंध किस प्रकार का हो, भाई भाई का संबंध किस प्रकार का हो, मित्र मित्र का संबंध किस प्रकार का हो, गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार का हो, बड़े विवरण के साथ समझाया। और वो माने सारा का सारा प्रैक्टिकल, गृहस्थ रहते हुए सारी समस्याओं का सामना करते हुए किस प्रकार तुम अच्छा जीवन जी सकोगे, भरे पड़े हैं बुद्ध के उपदेश। क्योंकि हम लोगों ने कभी उनकी उस वाणी को सुना नहीं, उसको धारण करके देखा नहीं, हमारे देश से विद्या लुप्त हो गई। तो एक हमने एक अपने मन में एक ऐसा एक एक बात का नक्शा बना लिया कि बुद्ध तो गृह त्यागी थे और उनकी सारी शिक्षा गृह त्यागियों के लिए ही है, ये गलत बात। तो इसको दूर करने के लिए बुद्ध की वाणी पढ़नी चाहिए, भरा पड़ा है गृहस्थों के लिए उपदेश, उनका बहुत उपदेश है। अगर ठीक है, वो बुद्ध की युवा अवस्था के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि बुद्ध की युवा अवस्था कैसी थी? क्षत्रिय थे, योद्धा थे, और उनका भी एक स्वयंवर हुआ था युवा सुभद्रा के लिए। बुद्ध की अपनी वाणी में इस बात का बहुत उस वक्त कर रहे थे पहुंचते हुए था। चलो बुद्ध की युवावस्था कैसी थी? बुद्ध की वाणी जो कि हमें आज पड़ोसी देशों से उपलब्ध होती है उसमें इसका बहुत विवरण नहीं है, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में विवाहित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में घर के बाहर जाता है तो पारिवारिक जीवन को खूब समझा होगा, और जो उपदेश दे रहे हैं उनको जब देखते हैं तो कितनी गहराई से, तो पारिवारिक जीवन, राजनीतिक जीवन, शासकीय जीवन, सारी बातों को किस कदर समझ रहे हैं, सिद्धांतों की बातें, धर्म की गहरी बातें। तो ये अनुमान करना गलत नहीं है कि उस समय उन्होंने बहुत गंभीर अध्ययन किया। राजा था उनका पिता, तो देश के अच्छे पंडित जो विद्वान, उनको हर विद्या में पारंगत कराया, और एक प्रदर्शनी भी उन्होंने उस अपने विवाह के समय दी जिसमें यह सिद्ध किया कि वो व्यक्ति हर तरह की क्षत्रिय विद्या में कितना कुशल है। सारी विद्याओं में कुशल हो करके अब वो घर से जाकर के सत्य की खोज में निकला है। तो ये सारा जीवन उनका बहुत ही अध्ययन का जीवन रहा होगा। हमारे सामने बुद्धवाणी में एक प्रसंग आता है कि 6-7 वर्ष की उम्र में, जबकि उनके पिता, उन दिनों का एक पर्व होता था, खेती होती थी, तो राजा पहले सबसे आगे होकर के खेत में हल जोतता था। वो हल जोतने जाता है और इस राजकुमार को पेड़ के नीचे सुला देती हैं इसकी दाएँ, और वो तमाशा देखने चली जाती हैं। ये जागता है, देखता कोई नहीं तो बैठ जाता ध्यान करने। तो उस अवस्था में उसने ध्यान किया, और वो ध्यान उसके 35 वर्ष की अवस्था में सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, तो याद आया कि 7 वर्ष की उम्र में हमने ये ध्यान किया था, इसको फिर करके देखूं। तो ध्यान की परंपरा अनेक जन्मों में रही और वो जाग गई, ये एक हमारे सामने दृश्य आता है। एक घटना ये आती है कि देवदत्त ने किसी हंस को मारा और उन्होंने उसे बचाया बड़े प्यार से, बड़े करुणा से, तो उनका करुणा पक्ष उसमें उजागर होता है इस छोटी उम्र में भी। लेकिन मैं समझता हूँ केवल ये दो ही घटना नहीं, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया होगा, क्योंकि जिस ढंग से उनके उपदेश हैं, वज्जियों को उन्होंने जो उपदेश दिए, वैशाली के लोगों को, लिच्छवी के लोगों को, कि तुम्हें अपना गणतंत्र सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल सांसारिक बात है कि गणतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए बाहर का हमला हो रहा है, तुम कैसे सुरक्षित रख सकोगे, 7 नियम बताए उन्होंने। तो बड़े सांसारिक बातों के बहुत जानकार हैं, तो जरूर अध्ययन किया, अच्छा अध्ययन किया होगा।
बुद्ध की युवावस्था कैसी थी? बुद्धवाणी में बुद्ध की युवावस्था का बुद्धवाणी में बुद्ध की युवावस्था पर बहुत प्रकाश नहीं डाला गया, लेकिन ये अनुमान किया जा सकता है कि जो व्यक्ति 16 वर्ष की उम्र में विवाहित होता है और 29 वर्ष की उम्र में एक पुत्र प्राप्त करने के बाद घर छोड़ता है, तो उसकी सामान्य जानकारियां काफ़ी बड़ी होंगी। और जिस ढंग से वो धर्म को समझाया उन्होंने बुद्ध बनने के बाद, जिस ढंग से एक एक दार्शनिक मान्यताओं का विश्लेषण किया, जिस ढंग से एक एक शब्द का सही अर्थ दिया, उसकी निरुक्ति कैसे, उसका अर्थ कैसे, तो बड़ा अच्छा अध्ययन होगा उनका निश्चित रूप से। आशु कवि थे, कई बार प्रश्नों का उत्तर कविता में देते थे, पद्यों में देते थे, तो ये सारी प्रतिभा जरूर अपने अध्ययन की वजह से भी आई होगी। अनेक जन्मों से साथ रही वो अलग बात है, और इसके अतिरिक्त जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने क्षत्रियों की युद्ध कला का अच्छा प्रदर्शन किया, तो उससे लगता है कि अवश्य उन्होंने ये शिक्षा पाई होगी। और पिता राजा है तो देश के अच्छे अच्छे विद्वानों को, पंडितों को बुला करके उन्हें अच्छी शिक्षा दी गई होगी। विवरण हमारे पास नहीं है, विवरण केवल इतना सा है कि 7 वर्ष की उम्र में एक बार किसी पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे उन्हें लेटाया गया, क्योंकि पिता आया था किसी एक पर्व के, उत्सव के चलाने के लिए। पहली बार खेती होती थी तो उन दिनों राजा पहला हल चलाता था, बड़ी धूमधाम से एक बड़ा महोत्सव होता था, लोग इकट्ठे होते थे, तो जो दाय उनकी सेवा पर थी वो तमाशा देखने चली गई। तो ये लेटे लेटे जब जाग गए तो जागा तो देखा कोई नहीं आसपास, तो पालथी मार के बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। तो ये ध्यान उनका उस अवस्था में अनेक जन्मों से किया हुआ होगा, इसलिए उस अवस्था में ये जागा। और इसका लाभ उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त होने पर उस रात को और सारे तरह के उपयोग करने के बाद ये मन में आया कि वो करके देखूं जो मैंने 7 वर्ष की उम्र में किया था, और उसने रास्ता खोल दिया ध्यान का, मुक्ति का। तो वो एक प्रसंग हमारे सामने आता है। एक प्रसंग जो बहुत प्रसिद्ध है वो ये कि देवदत्त ने किसी हंस की हत्या की, घायल किया उसे, और इन्होंने उसे छाती से लगा करके उसको बचाया। इनकी करुणा प्रकट हुई, इस उम्र में भी इनकी करुणा प्रकट हुई। ये एक आध प्रसंग हमारे सामने है, लेकिन ये अवश्य अनुमान करने योग्य बात है कि हर तरह की विद्या उन्होंने सीखी। यशोधरा के साथ उनका संबंध कैसा था, ज्ञान उपलब्ध होने के पहले और बाद में? उपलब्ध होने के पहले जैसे आम गृहस्थ रहते हैं वैसे गृहस्थ के रूप में रहे उनके साथ, उनसे कोई घृणा नहीं थी, उससे कोई द्वेष नहीं था। ये मन में एक जिज्ञासा अवश्य थी कि मैं किस तरह से दुखों के बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढूं, और ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि घर में रहते हुए, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कोई व्यक्ति इस तरह का रास्ता ढूंढ ले, ये असंभव बात, तो उनको घर त्यागना पड़ा। लेकिन घर त्यागने का मतलब ये नहीं हुआ जरा सा भी कि यशोधरा के प्रति उनके मन में कोई दुर्भाव था। यशोधरा फिर उनके पास आती है और जीवन भर भिक्षुणी बनकर के उनके साथ रहती है और अनंत अवस्था तक पहुंचती है। यशोधरा के मन में इस बात का क्षोभ नहीं है कि ये बुद्ध क्यों बन गया, इसीलिए भेजती है अपने बच्चे को, लड़के को, राहुल को, कि उसके पास तेरा जो उत्तराधिकार है वो मांग। तो क्या उत्तराधिकार है उनके पास, अब राज्य गद्दी तो छोड़ दी, वो उत्तराधिकार थोड़ी मिलने वाला है। इसने जो बुद्धत्व प्राप्त किया है ये बड़ा धन इसके पास है, ये मांग, और वो लड़का मांगने जाता है और उसको भिक्षु बना करके यही विद्या सिखाते हैं, अरहंत बनाते हैं। सौमनस्यता ही सौमनस्यता थी, लोग उसका भले बुरा अर्थ करें, बहुत सौमनस्यता थी। देवी यशोधरा के साथ उनका संबंध सौमनस्यता से भरा हुआ, ये बात अवश्य उनके समझ में आ गई कि इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना है तो वो घर में रहते हुए नहीं ढूंढा जा सकता।
तो इसकी खोज करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, अन्य लोगों के पास जाके सीखना पड़ा किस तरह की साधनाएं भारत में उस वक्त चल रही थी, उनका प्रयोग करके देखा और उसके बाद अपनी ओर से रास्ता खोज करके मुक्त हुए। तो छोड़ना आवश्यक था, लेकिन उसके पहले भी सौमनस्यता थी और उसके बाद भी सौमनस्यता बनी रही। एक बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे बुद्ध को असंख्य जन्म लगे अपनी पारमिताओं को पूरा करने के लिए, हर जन्म में ये सोधरा उनके साथ है, हर जन्म में ये सोधरा भी अपनी पारमिताएं पूरी कर रही हैं ताकि ये व्यक्ति जिस वक्त बुद्ध होगा तो इसके कारण मुझे भी विद्या प्राप्त हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी। वो भी इसी तरह से व्रत लेती है जैसे कि ये सुमेध तापस व्रत लेता है कि मैं सम्यक संबुद्ध बनूंगा, वो व्रत लेती है कि मैं सम्यक संबुद्ध की पत्नी बनूंगी सम्यक संबुद्ध होने के पहले बोधिसत्व जीवन में, और हर जीवन में उसकी सहायता करूंगी, उसकी सेवा करूंगी। सौमनस्यता का अभाव नहीं है। और जब मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई तो 2 वर्ष के भीतर भीतर घर आए, सबको ये विद्या सिखाई और उसके मन में इस बात की प्रसन्नता है कि ये व्यक्ति सम्यक संबुद्ध हुआ है, तो अपने इकलौते बेटे को भेजती है कि इससे अपनी वसीयत मांग। क्या वसीयत है, राज्य तो छोड़ चुका, राज्य की वसीयत थोड़ी है। उसके पास तो सबसे बड़ी वसीयत ये है कि इतनी बड़ी विद्या उसे मिली है, ये विद्या मांग उससे। ये विद्या मांगता है, उसे भी ये विद्या देते हैं, अरहंत अवस्था तक पहुँचाते हैं। ये शोधरा भी उनके पास पहुंचती है एक दो वर्ष के बाद, उसे भी ये विद्या देती है, अनंत अवस्था तक पहुंचती है। सौमनस्यता ही सौमनस्यता है, सही माने में कैसे कल्याण हो यही बात बुद्ध सिखाएंगे। ठीक,
हाँ तुम उसको संभालो उधर। एक सवाल, बुद्ध के जीवन में जिक्र आता है चमत्कारों का, देवताओं की उपस्थिति का भी जिक्र आता है। आज के संदर्भ में ये अनहोना सा या थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, इसमें कितनी वास्तविकता है और उसका क्या रहस्य क्या है? कोई बड़ी बात नहीं कि वो सही भी हो, और कोई ये भी कहे कि ये बाद में जुड़ी हुई बातें हैं। मैं ये कहता हूँ कि उन चमत्कारों को काहे महत्व दें। बुद्ध इसलिए बुद्ध नहीं है कि उन्होंने कोई चमत्कार दिखाए। इसी तरह से देवता ब्रह्माओं की बात आती है तो हम न भी मानते हों कि कोई देवता नहीं होता, कोई ब्रह्मा नहीं होता, बुद्ध की शिक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अपने मन के इंटरेक्शन को देख रहे हैं, उसको विकार निकाल रहे हैं। जिस दिन इस विद्या के बल पर वो अवस्था प्राप्त हो जाए कि हमें दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और हम देखें कि सचमुच कोई देवता भी होता है, कोई ब्रह्मा भी होता है, तो मान लें। अन्यथा मान लें ऐसे ही मान लें क्योंकि बुद्ध ने कहा है, क्योंकि कोई गुरु महाराज कह रहा है, तो गलत बात होगी। बिना माने हम बुद्ध की शिक्षा का पालन कर सकते हैं आसानी से। बुद्ध मूर्ति के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, उन्होंने खुद अपनी मूर्ति नहीं बनाने दी। बिल्कुल ठीक। और जितनी मूर्तियां बुद्ध की बनी हैं उतनी शायद किसी की नहीं बनी। बिल्कुल। यहाँ तक कि बुद्ध शब्द के साथ जो उर्दू में बुत है, बिल्कुल, उनके नाम के साथ जुड़ गया। बिल्कुल। ये इसके बारे में आपकी क्या दृष्टि है? जैसे बार बार कहता हूँ कि गंगा का पानी उद्गम में बड़ा निर्मल होता है, गंगोत्री का जल है बड़ा निर्मल है, बड़ा पारदर्शी है, और आगे समय पा करके इधर का मैल उधर का मैल होते हुए आते गंगा सागर तक क्या अवस्था हो जाती है। ऐसे ही बुद्ध के मंतव्य को शुद्ध रूप में रखना कठिन हुआ। जैसे हम कहें कि बुद्ध ने कहीं बौद्ध धर्म नहीं कहा, धर्म ही कहा, और अपने अनुयायियों को जो धर्म के रास्ते चलते हैं उनको धार्मिक कहा, धर्मिष्ठ कहा, धर्मी कहा, धर्मविहारी कहा, धर्मचारी कहा, इन पांच शब्दों से प्रयोग किया। कहीं बौद्ध शब्द का नहीं प्रयोग है, बौद्ध धर्म का प्रयोग नहीं है, लेकिन चल पड़ा बौद्ध धर्म और बौद्ध। इसी तरह से उन्होंने दर्शन कोई सिखाया नहीं, उनके नाम पर दर्शन चल पड़े बौद्ध दर्शन। वो संप्रदाय के बड़े विरोधी थे, उनके नाम पर एक नहीं अनेक संप्रदाय बन गए। ठीक इसी प्रकार वो नहीं चाहते थे कि किसी मूर्ति को रख करके और मूर्ति के बल पर हम ध्यान करें तो मूर्ति की आकृति का ध्यान होगा, हम अंदर की सच्चाई को कहाँ देख पाएंगे। तो सच है 500 बरस तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी, यद्यपि भारत में मूर्ति कला की जानकारी बहुत अच्छी थी। ये हम अशोक के स्तंभों के ऊपर लगे हुए ये शेर इत्यादि के जो देखते हैं कलाकार थे, फिर भी नहीं बनी, बहुत बाद में बनी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे ये विद्या लुप्त होती चली गई, वैसे वैसे अब लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अन्य अन्य संप्रदाय के लोग इस देवी को पूजते हैं, उस देवता को पूजते हैं, इस ईश्वर को पूजते हैं, उस मूर्ति को नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। हम क्या करें, चलो हम बुद्ध की बना दें मूर्ति, और ये चल पड़ा। आज हम देखते हैं कि विपश्यना में मूर्ति का बिल्कुल प्रयोग नहीं, वो परंपरा जो पुरानी है वही, मूर्ति का ध्यान नहीं, उसकी आकृति का ध्यान नहीं, कुछ नहीं। घरों में परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं, देखते हैं बाकी जगह तो अमुक को जाकर नमस्कार करते हैं, बच्चे अमुक को करते हैं, हम क्या करें, और उतने छोटे बच्चे विपश्यना भी नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए ठीक है एक मूर्ति है और नमस्कार करते हैं, ये करते हैं, उधर आरंभ हुआ उनका, कह कह गया हुआ धर्म का। लेकिन सिखाने वाले को बहुत सजग रहना पड़ता है कि धीरे धीरे उनको उस अवस्था पर ले जाना है जहाँ मूर्ति देख करके उसके गुण तो जरूर याद आए कि देखो ये बुद्ध की मूर्ति है, तो बुद्ध के क्या गुण थे, वैसे गुण मुझ में आ रहे हैं कि नहीं, वो प्रेरणा प्राप्त करे वहाँ तक तो ठीक, और कहीं वो उसको ईश्वर मान करके उसको धूप दीप जला करके उससे कुछ मांगने लगे तो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा बिगड़ने न दें, उतना ही भर उसका प्रयोग है और उसका प्रयोग नहीं। चल आगे करें या ऐसे करें? ठीक। जब बुद्ध कैसे थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई साक्षी नहीं है,
जो बुद्ध की मुद्राएं हैं प्रचलित, उनका आधार क्या है? बुद्ध की जो आकृति है वो तो मैं समझता हूँ कि कलाकार की अपनी कल्पना है। बहुत सुंदर चेहरा होना चाहिए, बड़ा शांत चेहरा होना चाहिए, करुणा भरी आंखें होनी चाहिए, इसको लेके बनाया होगा क्योंकि मूर्तिकार ने बुद्ध का दर्शन किया नहीं। जहाँ तक मुद्राओं की बात है, ये जो 3-4 मुद्राएं प्रचलित हैं वो उनके जीवन की घटनाओं को लेकर के की गई। जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है, बैठे हैं और एक हाथ घुटने से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर है। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले जो मार ने आकर के उन्हें कहा कि ये तेरा स्थान नहीं है, तू यहाँ से उड़ जा, और वो कहते हैं नहीं मेरा स्थान है, मैंने सारी पारमिताएँ पूरी कर ली है, इसलिए मैं पात्र हूँ इस स्थान पर बैठने का, बुद्धत्व प्राप्त करने का। तो वो भूमि को स्पर्श करते कहते हैं कि मैंने अपनी पारमिताएँ पूरी की हैं और ये धरती इस बात की साक्षी है, ये साक्षी देगी कि मैंने की है। तो हाथ लगाने से एक धीमा सा प्रकंपन पृथ्वी पर हुआ, ऐसी एक मान्यता चल रही है। उस मान्यता के आधार पर यह भूमि स्पर्श मुद्रा हुई। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, पहली बार धर्म जब सिखाया तो यूँ ऐसी मुद्रा है जिससे मानो धर्म का चक्र प्रवर्तन कर रहे हैं, धर्म सिखा रहे हैं, तो उसकी एक चल पड़ी। अभय मुद्रा है, वरद मुद्रा है, ये सारी की सारी अब उनके किसी न किसी बात को लेकर के ये मुद्राएं बना दी गई। बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरी ये मुद्रा है और ये है। आपने मार का जिक्र किया, ये मार कौन था? ये भी प्रतीक है या वाकई कोई ऐसी शक्ति है? जैसे भगवान ने समझाया कि हमारे मन के जो विकार हैं वही मार हैं, तो उनकी साधना में बाधा पहुंचाने के लिए जो कठिनाइयां आई वो उनके अपने ही संग्रहित विकार जो हैं, वासना के विकार होंगे, भय के विकार होंगे, अहंकार के विकार होंगे, वो सारे उस वक्त जोरों से उठे होंगे और उनका सामना करना पड़ा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी एक मान्यता चलती है कि कोई एक देवलोक ऐसा है जिसका अधिपति मार है और उसको अपनी नासमझी से ही उसका मंतव्य यही रहता है कि ये जन्म मरण के चक्कर से कोई बाहर ना निकले, इसी में रहे, उसी में वो बड़ा प्रसन्न अपने आप को मानता है। तो जो कोई आदमी निकलने का प्रयत्न करता है उसके लिए बाधाएं पैदा करता है, तो एक व्यक्तिकरण भी उसका हो गया। लेकिन हम तो कहेंगे कि विकारों को ही महत्व दें, विकार हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमारे मार हैं, और हम इन विकारों से जीत गए तो हम मार से जीत गए। बुद्ध के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना पूर्णिमा को, इसके पीछे क्या कोई अर्थ है या एक संयोग? प्रकृति पूर्णिमा के दिन बड़ी स्वच्छता लिए हुए जागती है, चारों ओर निर्मलता होती है, शांति का माहौल होता है, प्रसन्नता का माहौल होता है। तो हम देखते हैं ध्यान करने वाले ध्यानियों को पूर्णिमा बहुत अनुकूल होती है, तो इसलिए वो व्यक्ति अनेक जन्मों से अपने को पूर्ण किया आ रहा है, पूर्ण किया आ रहा है, अब वो पूर्ण हुआ तो उसका हर काम महत्वपूर्ण काम पूर्णिमा को ही होगा। जबकि उनकी सारी जो आवश्यकताएं थी उस अवस्था तक पहुंचने की वो पूर्ण हो चुकी, अब और कुछ नया करने के लिए नहीं रह गया उसे, तो इसलिए पूर्णिमा 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 का महत्व मैं तो यही समझता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध होने निकलता है या होना चाहता है, इसमें जो प्रकृति है वो उसका सहयोग करती है या उसने कोई मतलब नहीं उसका? बहुत मतलब है, ये यही तो बात उन्होंने खोज निकाली, और ये दिन रात साधना में देखा जाता है कि जैसे ही हम अपने भीतर कोई विकार जगाएंगे, क्रोध जगाएंगे, तो उसकी एक तरंग पैदा होगी और हर तरंग की अपनी विशेषता है। क्रोध की तरंग इसी प्रकार की होगी, वासना की तरंग इसी प्रकार की होगी, भय की तरंग इसी प्रकार की होगी। तो जैसे ही किसी ने क्रोध की तरंग जगाई तो सारे विश्व में जितनी क्रोध की तरंगें हैं उनके साथ समरस हो जाएगा, तो वो जितनी क्रोध की तरंगें हैं वो उसे बल देने लगेगी, तो वो क्रोध के बाहर निकलना उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे ही वासना की तरंगें, ऐसे भय की तरंगें, ऐसे अहंकार की तरंगें, ठीक इसी तरह उसके विपरीत हमने राग की तरंगें न जगा करके वीतरागता की तरंगें जगाने का काम शुरू किया, तो सारे विश्व में वीतरागता की जितनी तरंगें हैं, अब तक जितने संत हुए और जितने भी बुद्ध हुए उनकी जो तरंगें हैं, सारे विश्व में सारा विश्व तरंगायित है उससे, एकदम उससे समरस हो जाएंगे, ट्यूनअप हो जाएंगे, हमको बल मिलने लगेगा। तो प्रकृति बल देती है, इस प्रकार बल देती है।
बुद्ध की वाणी की वास्तविकता को कैसे सुरक्षित रखा गया है? एक तो बुद्ध के समय ही बुद्ध ने इस बात पर बल दिया कि जो मैं उपदेश देता हूँ उसे तुम लोग कंठस्थ करो, और बड़े प्रसन्न होते थे जब किसी को देखते थे कि वो अमुक हिस्सा उसने कंठस्थ कर लिया है। एक घटना, जो अवंती का राज पुरोहित था, भिक्षु हुआ कात्यायन, उसका एक शिष्य सोण, उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, और वो न होते तो क्या करते, उसमें बुद्ध का हाथ है, धर्म का हाथ है। बुद्ध की वाणी को इतने सालों में भी यथावत कैसे रखा गया है, सुरक्षित कैसे रखा गया है? एक तो बुद्ध के समय ही बुद्ध ने इस बात का बड़ा बल दिया कि इन उपदेशों को कंठस्थ करना चाहिए। हम ऐसे प्रसंग देखते हैं, जैसे अवंती का राजपुरोहित भिक्षु हुआ, भगवान की वाणी उसने याद की तो अपने शिष्यों को भी याद कराई, तो उनका एक शिष्य सोण नाम का, जिसने कभी बुद्ध के दर्शन नहीं किए थे, आतुर हुआ कि जिनकी ये शिक्षा से मुझे लाभ हुआ उनका दर्शन तो करूँ। तो वहाँ से अवंती से चल करके वो आता है और यहाँ भगवान के दर्शन करता है। तो तूने उपदेश कैसे ग्रहण किए? तो कहता, महाराज पहले तो कंठस्थ किया, फिर जीवन में उतारा। क्या कंठस्थ किया? तो वो सुनाता है, एक बड़ा हिस्सा, इम्पोर्टेंट हिस्सा उसे सुनाता है। तो इसका मतलब कि उस वक़्त याद करने की परंपरा बुद्ध ने स्वयं चलाई ताकि ये धर्म और ये वाणी जीवित रह सके। एक बड़ी बात हुई ये कि उनका चचेरा भाई आनंद, उनके जीवन के पिछले 25 वर्षों में छाया की तरह उनके साथ रहा, एक पर्सनल अटेंडेंट की तरह। उसने एक शर्त लगाई ये पोस्ट लेने के पहले कि आप जहाँ कहीं उपदेश दोगे मुझको साथ जरूर ले जाओगे, किसी कारण से नहीं ले जा सके तो जहाँ कोई उपदेश दिया वापस आकर के मुझको उसी तरह सुनाओगे। भगवान ने स्वीकार किया। अब उस आदमी की मेधा इतनी बड़ी थी कि जिस बात को एक बार सुन ले उसे भूलेगा नहीं, उसे फिर दोहरा देगा, तो जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया इस तरह से। तो 25 वर्षों के तो सारे के सारे उपदेश रिकॉर्डेड हैं उसके पास, उसके पहले भी तो उसने उपदेश सुने ही हैं। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण होने के कुछ महीने बाद ही एक भगवान की इच्छा और ये भी थी कि इस वाणी को बार बार समय समय पर लोग एकत्र हो करके इसका संगायन करें, कहीं भूल आ गई हो तो उसको सुधारें ताकि ये जीवित रहे और शुद्ध रूप में जीवित रहे, तो उसे संघायन कहा। तो पहला संघायन बुद्ध के परिनिर्वाण के 4 महीने बाद ही हुआ, उसमें सारा दोहराया गया, आनंद उसमें शामिल हुए। तो उन्हें याद है, बाकी लोग जितने 500 लोग बैठे हैं उन्हें याद है इस प्रकार ये संघायन हुआ। 100 वर्ष के बाद फिर एक संघायन हुआ, फिर अशोक के समय 250-300 वर्ष के बाद फिर हुआ। तो ये भारत में 3 संघायन हुए, बुद्धवाणी याददाश्त द्वारा उसे रखी गई, उसके 3 हिस्से किए। एक को सुत्त पिटक कहा, जो साधारण के उपदेश थे उनको याद करने वाले एक ग्रुप, एक परंपरा चली। एक विनय पिटक, जो भिक्षुओं के लिए उपदेश दिए गए उनको कंठस्थ करने वालों की एक परंपरा चली, और एक अभिधम्म पिटक, उसको कंठस्थ करने वालों की एक परंपरा चली। वो परंपराएं आज तक चल रही हैं। एक परंपरा ऐसी भी चली कि सारे के सारे त्रिपिटक को कंठस्थ करे, उसे त्रिपिटक धर कहा। तो वो जो त्रिपिटक धर की परंपरा थी वो आज तक चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी बर्मा में आज के कोई 4-5 वर्ष पहले एक ऐसा भिक्षु था जिसको सारा त्रिपिटक याद है, उसके भाष्य भी कुछ अंशों तक याद हैं, और उसने 4 ऐसे शिष्य तैयार किए जो आज भी सारे त्रिपिटक को, और कम से कम 15,000 पृष्ठों का साहित्य है, कोई छोटा साहित्य नहीं, वो सारा कंठस्थ। तो एक तो इस कंठस्थ करने के कारण अपने शुद्ध रूप में रहे, दूसरी बात अशोक के समय जो संघायन हुआ उसमें ये विद्या भारत के बाहर भेजी गई, ये सारे वचन भी भेजे गए, ये साधना भी भेजी गई। तो आज लंका में, बर्मा में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इन 5 देशों में बुद्धवाणी अपनी अपनी लिपि में, भाषा वही पाली है,
अपनी अपनी लिपि में और उनका अपना अपना उच्चारण, सबके पास अपने अपने त्रिपिटक हैं। छठा संघायन जो हुआ अभी को 40 वर्ष पहले, जबकि उनू प्रधानमंत्री था उस समय, छठा संघायन हुआ और इन सारे देशों से भिक्षु या गृहस्थ पंडितों को बुलाया गया और सब ने अपनी अपनी परंपरा की त्रिपिटक का पाठ किया। बहुत मामूली इधर उधर फर्क हुआ कि जैसे कहीं कोई छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, या कहीं उच्चारण में भेद हो गया, लिपि में भेद हो गया, इस तरह की सी गलतियाँ, मूल बात वो कि वो रही, अर्थ कहीं नहीं बदला। तो इससे सिद्ध होता है कि लोगों ने भारत के बाहर जाने के बाद, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में गई और वैसी ही रही, तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। अगर कुछ हुआ भी छेड़छाड़, तो भारत में भगवान बुद्ध के बाद अशोक के समय तक कौन जाने कुछ हुआ हो, तो उसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि लोग याद करने की परंपरा थी, 3 बार संघायन हुई, कहीं गलती हुई होगी तो सुधारी गई होगी। इसलिए ये मानने को जी चाहता है कि जैसे हमारा ये पुराना साहित्य कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया और भी इतने सदियों के बाद वापस आ रहा है, तो अपने शुद्ध रूप में आ रहा है, और इसको देख करके हमको उस वक्त का भारत जैसे जीवंत हो गया, हमारे सामने प्रकट होता है, इसलिए महत्व देते हैं। और अंतिम प्रश्न गुरु जी, बुद्ध के आखिरी वचन क्या थे? जैसे बुद्ध का प्रथम वचन बहुत प्रेरणादायक है, सारा रास्ता खोल देता है कि ये क्या सिखा रहे हैं, सारी बात सामने आती है। ऐसे ही अंतिम वचन भी, जैसे वो हमें विरासत में दे गए, आखिरी बोल हैं वै धम्म संखार अपमादेन संपादेथ। ये जो सारे संस्कार हैं चित्त और शरीर के, जो कुछ निर्माण हो रहा है वो सारा व्यय धर्म है, अनित्य है। इस सत्य को लग गया क्या? अच्छा पी, ठीक ठीक ठीक। अंतिम बोल बड़े महत्व के हैं। जैसे बुद्धत्व प्राप्ति होने पर पहले बोल किसी भी समझदार व्यक्ति को एक प्रेरणा जगाते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे अपनी सारी विरासत इन थोड़े से शब्दों में दे गए अंतिम बोल वै धम्म संखारा अपमादेन संपादेथ। ये सारे के सारे संस्कार, संस्कार का मतलब चित्त की जो प्रतिक्रिया है उसको तो संस्कार कहते ही हैं, पर जो कुछ निर्माण हो रहा है शरीर और चित्त के स्तर पर, जो निर्माण हो रहा है वो सारा अनित्य है, वे धर्म है, इसको ऐसे ही मान के नहीं रह जाना। वै धम्म संखार अपमादेन संपादेथ, बिना प्रमाद के सजग रह करके इसका संपादन करना है, माने इसको अनुभूति पर उतारना है। ये अनुभूति पर उतारते जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मानो ये उनके आशीर्वचन है, ये उनका आदेश है, ये एक विरासत उन्होंने दी है विपश्यना की, कि ये जो अनित्य है इसका दर्शन करते जाओ, नित्य तक पहुँच ही जाओगे, शाश्वत तक पहुँच ही जाओगे, इससे दूर मत रहो, इसके साथ रहो, ये उनकी देन है। छुट्टी अभी आपने मन की बात की, इसमें वैली एक छोटी सी जिज्ञासा है। आपने कहा मन बेचैन रहता है, पहली बात ये कि क्या मन बेचैन होता है या बेचैनी का नाम ही मन है? ये सारी साधना बुद्ध की सच्चाई की खोज की वजह से बाहर आई। तो सच्चाई की खोज किस बात की उन्होंने शुरू की? बहुत स्थूल सच्चाई से लेकर के उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म सूक्ष्मतर अवस्था तक चले गए। तो शरीर की जो स्थूल सच्चाई है उसका घनत्व है, ये जो घनीभूत शरीर हमें अनुभव होता है ये भी एक सत्य है। अनुभव करते 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 उस अवस्था पर व्यक्ति पहुंचता है कि जहां सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे हैं, सारा मटीरियल वर्ल्ड केवल तरंगे ही तरंगे हैं। इसी तरह से मानस घनीभूत होकर हमारे सामने आता है, कोई भावावेश जागता है, क्रोध का जागे, वासना का जागे, ईर्ष्या का जागे, तो बड़ा घनीभूत हमारे सामने मानस आया, उसका भी विघटन विश्लेषण करते करते करते
उन अवस्था पर पहुंच गए कि जहां ये भी केवल तरंग ही तरंग और कुछ नहीं है। तो देखा सारा विश्व यही है, सबो पज्जलितो लोको सबो लोको पकंपितो पकंपितो एंटायर यूनिवर्स इज मेयरली वेवलेट्स और कुछ नहीं। अब उस अवस्था पर पहुंचने के बाद कोई साधक भी, और इस अवस्था पर साधक पहुंच जाता है, बड़े जल्दी पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद अब मानस का विश्लेषण बड़ी आसानी से होने लगता है, तरंग ही तरंग की अनुभूति होने लगी, शरीर में सिर से पांव तक जहां मन गया जहां पहुंचा वहीं केवल तरंग है, केवल तरंग है, एक धारा प्रवाह तरंगों की चल रही है। उस वक्त मानस क्या है और कैसे काम करता है, ये मानस की बेचैनी क्या है, कैसे बेचैन होता है, कैसे बेचैनियों के बाहर निकलता है, मानस का सारा विश्लेषण का काम वहीं से शुरू होता है। तो उन दिनों की भाषा में भगवान ने चार शब्द इस्तेमाल किए, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार। उसके बाद का जो साहित्य बना उसमें लगभग इन्हीं बातों को इन चार शब्दों में प्रयोग किया गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम इन शब्दों में नहीं जाएं, बात समझें क्या है। विज्ञान, विज्ञान मानस का वो खंड है जो जानता है। हमारी इंद्रियों पर कोई घटना घटी तो मानस का ये खंड अपना सिर उठाएगा, कान से कोई शब्द टकराया तो तुरंत मानस का ये खंड सिर उठाएगा, विज्ञान सिर उठाएगा, कुछ हुआ भाई, कान पर कुछ हुआ, आँख से कोई रूप टकराया कुछ हुआ, नाक से गंध टकराई, जीभ से रस टकराया, शरीर से कोई स्पर्शव्य पदार्थ टकराया, मन से कोई चिंतन टकराया, इन छहों इंद्रियों के विषय जैसे ही स्पर्श करते हैं इंद्रियों को, पहला काम मन का ये होता है कि वो जानता है कुछ हुआ, हमारे इस दरवाजे पर कोई खटखट हुई। इतने में मानस का दूसरा खंड अपना सिर उठाता है, जिसे उन दिनों की भाषा में उन्होंने संज्ञा कहा, उसे आज कम कहें बुद्धि कहें। मान्य वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर, पुरानी स्मृतियों के आधार पर अब वो उसका मूल्यांकन करता है, पहचानता है और मूल्यांकन करता है। आवाज आई तो कैसी आवाज आई, कोई गाली का शब्द था, कोई प्रशंसा का शब्द था, उसने पहचाना, और पहचानते ही उसने मूल्यांकन भी कर दिया। गाली का शब्द था, अरे बहुत बुरा, प्रशंसा का शब्द था, अरे बहुत अच्छा। ये उसका काम है दूसरे हिस्से का, मानस के दूसरे हिस्से का, और साधक खूब देखता है ये प्रपंच कैसे चल रहा है। उसने मूल्यांकन किया अच्छा है, या उसने मूल्यांकन किया बुरा है। तो पहली बार जब जानकारी हुई कि कान में शब्द आया, तभी शरीर में एक तरंग चली उसके साथ ही। अब जब मूल्यांकन हो गया कि ये तो गाली है, बहुत बुरी है, तो वही तरंग बदलती चली गई, एकदम दुखद हो गई, सारे शरीर में जैसे दुख की एक लहर चलने लगी, कोई गाली दे रहा है और यहाँ तरंग बड़ी दुखी अप्रिय तरंग चल पड़ी। मूल्यांकन हुआ, ये तो बड़ी प्रशंसा है, बहुत अच्छा है, बड़ी सुखद तरंग चलने लगी। भगवान ने उसके लिए वेदना शब्द इस्तेमाल किया, वो उन दिनों की भाषा में प्रचलित शब्द था, उन्होंने कोई शब्द का निर्माण नहीं किया। तो एक संवेदना हुई, सुखद हुई या दुखद हुई, मानस का ही खंड है जो अनुभव कर रहा है, सुखद है या दुखद है। इतने में मानस का चौथा खंड, उसका काम है प्रतिक्रिया करना। गाली दी, दुखद संवेदना हुई, अच्छी नहीं लगी, दुखद संवेदना हुई, तो तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। प्रशंसा हुई, मूल्यांकन हुआ, बहुत अच्छा है, सुखद संवेदना चली, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो और हो, ये तो और हो। ये जो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि प्रतिक्रिया शुरू हुई, यही द्वेष है, और ये जो चाहिए चाहिए कि प्रतिक्रिया शुरू हुई, यही राग है। साधक देखता है कि मानस के चार खंड प्रतिक्षण काम किए जा रहे हैं, किसी न किसी इंद्रिय पर कुछ न कुछ टकराहट होती रहती है, उसकी वजह से संवेदना होती रहती है, सुखद होती है, दुखद होती है, प्रतिक्रिया होती रहती है, राग की या द्वेष की। तो हम कब से इस स्वभाव शिकंजे में जकड़े हुए हैं, इस स्वभाव शिकंजे के बाहर कैसे निकलें? क्योंकि अब ये देखने लगा कि जैसे ही राग जागा तो चित्त जो समता में था, अब उसमें कुछ खलबली शुरू हो गई, विषमता आ गई, तो संतुलन टूटा। तो संतुलन टूटा, यही बेचैनी है। जब तक संतुलन है, समता है, तो भीतर बड़ी शांति मालूम होती है, बड़ा अच्छा मालूम होता है, और जैसे ही संतुलन टूटा वैसे अशांति मालूम होती है। द्वेष जागा तो अशांति मालूम होगी, राग जागा तो अशांति मालूम होगी,
धीरे धीरे देखता कोई विकार मन में जाग जाए अशांति पैदा कर देगा। तो चित्त की विकार विहीन अवस्था ही सही माने में हमें सुख शांति देती है, ये बात उसके समझ में आने लगेगी। और ये अवस्था तब आती है जबकि ये पुराना स्वभाव शिकंजा टूटे। सुखद को देख के राग जगाने का, दुखद को देख के द्वेष जगाने का, ये बुद्धि के स्तर पर नहीं टूटता, अनुभूति के स्तर पर टूटेगा। यही करवाती हैं, यही बेचैनी है और यही शांति है। एक और बात जो आपने किया था कि माइंड और मैटर का अंतर था, बुद्ध ने उसको जितनी गहराई से देखा आज तक शायद किसी ने भी नहीं देखा। बिल्कुल, और उसको तो उद्घाटित किया। बिल्कुल, यही तो देखा कि अगर वो आंख बंद करके किसी कल्पना का ध्यान करते, जैसे एक परंपरा चल रही थी कि हमारे भीतर एक अलग थलग आत्मा है, अब करो उस आत्मा का ध्यान, तो हम कल्पना करेंगे हमने देखी नहीं, हमारे सामने वो आत्मा है नहीं, पढ़ी है सुनी है इसलिए उस तरह कल्पना करो, या ऐसा कोई देव है देवी है ईश्वर है ब्रह्म है हमने देखा नहीं सुना है पढ़ा है चलो आँख बंद कर कल्पना करो। तो उन कल्पनाओं से हमारे चित्त में एकाग्रता तो जरूर आ जाती है क्योंकि हमको एक आलंबन मिल गया, चित्त को एकाग्र करने के लिए एक आलंबन मिल गया, हमारा चित्त एकाग्र होते चले जाता। एकाग्र होने से भी मानस के ऊपरी हिस्से को जिसे कॉन्शियस माइंड कहें उसमें बड़ी शांति मालूम होती है क्योंकि अब उसमें और कोई उपद्रव नहीं है। बुद्ध ने देखा कि उन गहराइयों में तो उपद्रव कायम है, ये ऊपर ऊपर की शांति किस काम की, तो मुझको तो रोग का निवारण करने के लिए रोग के मूल कारण तक जाना होगा कि ये अशांति पैदा कहाँ होती है। तो उन्होंने जो विश्लेषण करना शुरू किया वो केवल चित्त का नहीं, चित्त और शरीर दोनों का, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे कहें ये पांचों इंद्रिय ये तो हैं शरीर की, आँख नाक कान जीव त्वचा और मन इनके साथ जुड़ा हुआ, तभी अनुभव होता है। मन की इंद्रिय होते हुए भी शरीर में स्थापित है, तो जो कुछ होता है वो शरीर और चित्त दोनों के संयोग से होता है। बाहर से कोई आवाज़ आए, ये जो तरंग है ये भौतिक है, कान पर लगी भौतिक है, पर कान पर लगने के बाद क्या है रे, ये जो हुआ ये मन का हुआ, ऐसा है रे ये मन का हुआ, बुरा है रे अच्छा है रे मन का हुआ, इसे दूर करो रे इसे पास रखो रे ये मन का हुआ। तो मन और शरीर किस तरह एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, इनको अलग करने की अवस्था निर्वाणिक अवस्था में दोनों अलग हो जाएंगे, अन्यथा सारा जीवन सारा समय इन्हीं दो बातों में इनके इंटरेक्शन में बीतता है। और जो मन और पदार्थ का संबंध है माइंड और मैटर का, तो बुद्ध ने इसको काफी गहराई से देखा है, तो इसमें बुद्ध की दृष्टि कहाँ तक जाती है? बुद्ध ने यही किया, उसकी खोज इसी बात पर हुई। अगर वो इस तरह का ध्यान करने बैठते कि कोई काल्पनिक आलंबन का ध्यान करो, हमारे भीतर एक अलग थलग आत्मा है, ऐसी है वैसी है, जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी है, अंगूठे की जितनी बड़ी है कि तिल की जितनी बड़ी है, अब करो ध्यान, तो कल्पना का ही होगा, हमें तो अनुभव हुआ नहीं। ऐसे ही कोई देवी है कोई देवता है कोई ईश्वर है कोई ब्रह्म है, अब सुना पढ़ा, अब उसे कल्पना करेंगे और कल्पना करके ध्यान करेंगे। तो उन कल्पनाओं का आधार लेकर जब ध्यान किया जाता है तो चित्त एकदम एकाग्र हो जाएगा। अथवा किसी शब्द को बार बार दोहरा करके, किसी नाम को किसी मंत्र को बार 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 मन ही मन दोहराएंगे, तो जैसे माँ बच्चे को लोरी देती है तो बार 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 दोहराने से वो सो जाता है बच्चा, ऐसे हमारा मानस सो जाएगा, हमको लगेगा बड़ी शांति मिली। बुद्ध ने ये देखा कि उस अवस्था में मन को शांति मिली, वो शांति केवल ऊपर ऊपर वाले चित्त की शांति थी, भीतर उसी तरह से उपद्रव चल रहा है, बेचैनी चल रही है अशांति चल रही है, ये क्या है इसको समझी। तो उन्होंने काम तो शुरू किया सांस से कि पहले शरीर की प्रक्रिया तो समझें, आँख बंद करके बैठ गए, अब क्या हो रहा है, जो सत्य मेरे सामने आएगा उस सत्य को स्वीकार करूँगा। तो सबसे पहले तो यही सत्य आता है कि सांस आ रहा है जा रहा है, सत्य है, कोई कल्पना नहीं है, अपने आप आ रहा है जा रहा है, उससे शुरू किया और धीरे धीरे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को जानने लगा। तो शरीर का अध्ययन हो रहा है, शरीर के स्वभाव का अध्ययन हो रहा है,
लेकिन साथ साथ मन का अध्ययन हो रहा है। इस सांस के साथ मेरे मन का कितना गहरा संबंध है, मन के विकारों का कितना गहरा संबंध है, ये जो संवेदनाएं हो रही हैं इनका मेरे मन से कितना गहरा संबंध। तो शरीर और चित्त का ये इंटरेक्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक उदाहरण से समझें, किसी ने मुझे गाली दी, मुझे क्रोध आया, क्रोध आते ही शरीर में एक ऐसी तरंग चली जो मुझे बहुत बेचैन बनाने वाली तरंग। अब उसके बाद जब मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ क्रोध की, तो उस गाली पर नहीं कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से यूँ लगेगा कि उस गाली की वजह से बार बार क्रोध आ रहा है। अब जो क्रोध आ रहा है वो भीतर की इस तरंग की वजह से आ रहा है, बड़ी बेचैनी पैदा करती है, मन बड़ा क्रुद्ध होता है, फिर बेचैनी पैदा होती है, फिर क्रुद्ध होता है, विशेष सर्कल चल पड़ा। तो माइंड और मैटर दोनों जुड़े हुए हैं। शरीर में एक तरह की अनुभूति होती है, एक तरह की घटना घटती है, हलन चलन होती है, मन प्रतिक्रिया करता है, मन प्रतिक्रिया करता है तो उस तरह की हलन चलन और बढ़ती है, वो और बढ़ती है, ये और प्रतिक्रिया करता है। तो हम घंटों, क्रोध तो आया, एक व्यक्ति ने हमें गाली दी, एक ही बार दी, वो तो चला भी गया, वो घटना घट गई, हम घंटों उसमें कुलबुलाते हैं क्रोध में। ये बात समझ में आई कि दरअसल हम क्रोधित हुए जा रहे हैं अपने ही नादानी की वजह से। हमने उन दिनों की भाषा में क्या आश्रव बहाव कहते हैं आश्रम को, हमने क्रोध की वजह से ऐसा एक केमिकल फ्लो अपनी रक्तवाहिनी शिराओं में बहाना शुरू कर दिया कि वो बड़ा बेचैन करने वाला है, और उसकी वजह से क्रोध और आ रहा है, क्रोध और आ रहा है, वो आश्रव और बढ़ रहा है, आश्रव और बढ़ रहा है, क्रोध और आ रहा है। तो ये माइंड एंड मैटर का इंटरेक्शन है। ये इंटरेक्शन तोड़ने के लिए क्रोध आया और एक तरह का फ्लो चला, एक तरह की संवेदना चली, हमने उसको साक्षी भाव से देखा, हम नया क्रोध नहीं करते, अपने आप उसका भाव कम हो गया, या हमने क्रोध किया भी तो इस बार कम किया, अगली बार और कम किया, यूँ करते करते हम क्रोध के बाहर निकल आए। ऐसे ही वासना जागी कि ईर्ष्या जागी कि अहंकार जागा कि भय जागा, जो विकार जागे उसका एक केमिकल फ्लो इसके साथ चलता है, बॉडी के साथ, वो उन्होंने देखा। और करते करते अनाश्रव, जहाँ आश्रव का नामो निशान नहीं, अब वो फ्लो बंद हो गया तो मुक्त हो गया। ये विकारों से मुक्त होने के लिए माइंड और मैटर का इंटरेक्शन देखना जरूरी, क्योंकि वो विकार जागते ही इस इंटरेक्शन की वजह से हैं, उनका संवर्धन होता है इंटरेक्शन की वजह से। बिल्कुल यही काम किया उन्होंने और यही सिखाया लोगों को। एक और शब्द इस्तेमाल होता है चेतना, जैसे शरीर है, मन है, चेतना है या आत्मा, जैसे शब्द तो इस शब्द का अर्थ अगर है तो क्या है बुद्ध की दृष्टि में? 2500-2600 वर्ष में भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज सचमुच चेतना या चैतन्य किसी नित्य शाश्वत ध्रुव को कहने लगे, चाहे उसे आत्मा कहें चाहे परमात्मा कहें, जो नित्य शाश्वत ध्रुव है वो तो चेतना है, बाकी तो मन और शरीर है। बुद्ध के समय ये अर्थ नहीं था। जो चित्त का झुकाव है जिस ओर, उसका नाम चेतना। अच्छाई की ओर झुकाव है तो कुशल चेतना, बुराई की ओर झुकाव है तो अकुशल चेतना। चित्त से ही चेतना शब्द निकला है, उसमें नित्य शाश्वत ध्रुव की कोई बात नहीं है। ये जो आत्मा की बात उन दिनों भी बुद्ध के पास आती थी, अब वो कहते थे कि भाई जिन जिन बातों में हमारा मतभेद है उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखो ना, आओ हम उन बातों पर वार्तालाप करें जिनमें हमारा कोई मतभेद नहीं। तुम भी मानते हो कि ये सारा शरीर अनित्य है, मैं भी मानता हूँ सारा शरीर अनित्य है। तुम भी मानते हो ये चित्त अनित्य है, मैं भी मानता हूँ चित्त अनित्य है। तुम भी मानते हो सारी इंद्रियां और इंद्रिय जगत सब अनित्य है, मैं भी मानता हूँ। तो चलो इसी पर चर्चा करें, और चर्चा अनुभूति के स्तर पर करें। आओ बैठो, तुम अनुभव करो। और जहाँ ये अनुभव करने लगा, अनुभव करते करते देखता है कि शरीर और चित्त इन दोनों को छोड़ करके कोई तीसरी चीज़ सामने आती नहीं। इन्हीं में से किसी को हम मैं मान लें, मेरा मान लें, मेरी आत्मा मान लें और उसके साथ चिपकाव पैदा करने लगे, तो एक दार्शनिक मान्यता हम खड़ी भले कर देंगे, वास्तविकता तो नहीं है। तो साधना का वो स्तर कि जहाँ चित्त और शरीर इन दोनों की गहरी से गहरी, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था का दर्शन हो गया, चित्त निर्मल होता चला गया, तब इसके परे की इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति होती है। तो
तो जहाँ इंद्रिय जगत है वहाँ भी शरीर और चित्त को छोड़ करके कोई मैं जैसा नहीं मिला, और जब उस पार हुआ तो वहाँ भी कोई मैं नहीं है। तो भाई ये आत्मा की बात तो धोखा है, इस माने में धोखा है कि हर व्यक्ति को अपने मैं के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति है और सारा कुछ नष्ट हो जाए और सारा कुछ भंगुर हो, मैं तो बना रहूं, कहीं मैं ना नष्ट हो जाऊं। तो इस मारे मैं की आसक्ति के मारे इस तरह की मान्यताएं चलती हैं। तुम अनुभव करके देखो, तुम्हें सचमुच अनुभव करते करते ऐसा कुछ लगे, दिखे, सचमुच अनुभूति पर उतरे कि शरीर और चित्त के परे कुछ है, तो उसे स्वीकार करना। अब न स्वीकार करो न अस्वीकार करो, अब तो तुम जो सच्चाई है उसको देखते चले जाओ, बस रास्ता खुल गया। यही किया उन्होंने। ये साक्षी क्या है? मन का ही वो हिस्सा जिसको विज्ञान कहते हैं, वो साक्षीकरण का काम करता है। हमारे लिए कठिनाई ये हो गई कि मन का जो चौथा हिस्सा है जिसको संस्कार कहा गया, प्रतिक्रिया करने वाला, वो तो इतना बलवान हो गया कि प्रतिक्षण प्रतिक्रिया किए जा रहा है, और ये जो जानने वाला है, जो जान रहा है केवल, ये इतना दुर्बल हो गया कि इस बेचारे की कोई सुनाई नहीं। तो साधना की ऊंची अवस्थाओं में वो समझाते हैं, और साधना वालों को साधना भी इसी ढंग से ऊंची अवस्थाओं में कराते हैं। दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, देखने में केवल देखना हो बस और नहीं, सुनने में केवल सुनना हो, सूंघने में केवल सूंघना हो, चखने में केवल चखना हो, छूने में केवल छूना हो, और कुछ नहीं। तो माने विज्ञान तक तो काम हो, इसके आगे का प्रपंच न चले। ये आगे का प्रपंच चलेगा तो उसी तरह से सारा ये भव प्रपंच चलेगा, क्योंकि राग पैदा करेगा, द्वेष पैदा करेगा। तो ये सारी की सारी अवस्था हमको केवल विज्ञान तक लाने की अवस्था है, उसी को साक्षी कहें, दृष्टा कहें, चाहे सो कहें। आगे जाकर के तो ये साक्षी और दृष्टा शब्द भी समाप्त हो जाते हैं। वो देखने वाला नहीं, बस देखा जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, घटना घट रही है, उसे जाना जा रहा है, मैं जान रहा हूँ, ये आगे जाके समाप्त हो जाता है, जाना जा रहा है। तो ये सारी अवस्थाएं हैं, इसमें कोई नित्य शाश्वत ध्रुव हो, हम उसको सिर पर चढ़ा करके उसके प्रति आसक्त हो जाएं, तो ये काम कैसे करेंगे? हमको तो जो अनित्य है, और वो अनित्य हम किस प्रकार हम उससे चिपकाव पैदा कर लिए हमने उस अनित्य के प्रति, अनित्य होते हुए भी उसको अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, उसके प्रति राग पैदा कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम तो ये है ना, हम राग पर राग, द्वेष पर द्वेष जगाए जा रहे हैं, विकार पर विकार जगाए जा रहे हैं। अरे बाबा, कोई आत्मा होगी तो होगी, रहे अपनी जगह, और न होगी तो न होगी, इस बात से उसका लेन देन क्या? आत्मा को मानने वाला भी उसी तरह विकार जगाता है और व्याकुल होता है, आत्मा को न मानने वाला भी उसी तरह विकार जगाता है और व्याकुल होता है। हमारे रोग का निदान तो ये है कि हम व्याकुल होना बंद करें, और किस तरह से विकारों से छुटकारा पाएं। आत्मा है तो है, रहे तो रहे, न है तो न रहे, काहे उसका बोझ सिर पर उठाए फिरे? बुद्ध ने तो बहुत स्पष्ट किया, कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर है भी, तुम मानते हो कि है, तो अपनी मान्यता को एक और रखो भाई, ये तुम्हें अनुभव जो हो रहा है इसको महत्व दो ना, अपने विकारों के बाहर निकलो ना। यही बुद्ध की शिक्षा है, अपने विकारों के बाहर निकलो। इसमें से दो सवाल निकलते हैं, एक तो ये कि अमरता की जो कल्पना है वो आत्मा के स्वीकार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, एक आत्मा है जो अनित्य है और जन्म लेती रहती है। बुद्ध की दृष्टि संबंध में क्या है कि क्योंकि बुद्ध मानते हैं कि होता है पुनर्जन्म, पिछले जन्म भी बुद्ध ने अपनी उनकी चर्चा की है और आगे भी जन्म होता है, कि ये जो जन्म होता है किसका होता है? तो बुद्ध की दृष्टि में ये आत्मा चीज है या कुछ और है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये जो पुनर्जन्म होता है वो किसका होता है? शरीर भी भंगुर है, नश्वर है, नष्ट हो जाता है, चित्त भी नश्वर है, भंगुर है, नष्ट हो जाता है, तब कौन जन्मा, अगला जन्म किसने लिया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। विपश्यना की गहराइयों में जाते हैं तो बहुत स्पष्टता से समझ में आने लगता है कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं और प्रतिक्षण नया जन्म हो रहा है। प्रतिक्षण ये परमाणुओं का पुंज नष्ट होता है, नया बनता है, नष्ट होता है, नया बनता है। यूं ही प्रतिक्षण हमारा चित्त उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है। एक चुटकी बजाएं इतनी देर में करोड़ों बार उत्पाद व्यय हो जाता है। आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे, ये सच्चाई है। बुद्ध ने भी ये सच्चाई देखी कि प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इस क्षण का चित्त जो नष्ट हुआ और अगले क्षण का चित्त जिसने जन्म लिया, वो इस क्षण के चित्त की संतान है। तो जैसा बाप वैसा बेटा,
वो सारे गुण धर्म स्वभाव लेकर के जन्मेगा उसी के, जो कुछ उसने संस्कार या विकार इकट्ठे कर रखे हैं उन्हीं को लेकर जन्मेगा, और जन्मेगा उस समय उसने और नया क्या डाला, उसने क्या निकाला, अगला क्षण उसी प्रकार का होगा। तो सारे जीवन भर ये जन्म मरण की श्रृंखला चल रही है। मृत्यु के समय केवल यही होता है कि जो चित्त की धारा है, ये शरीर ऐसा हो गया, जर्जरित हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जैसे सारे के सारे विश्व में, सारा का सारा विश्व किसी सुपर कंप्यूटर में कंप्यूटराइज्ड है, तो जिस तरंगों के साथ यहाँ मृत्यु हुई उस समय चित्त की कैसी चेतना है, बिल्कुल इसी प्रकार के उसके अनुकूल कहाँ गर्भाधान हो रहा है वहाँ जाके जुड़ जाएगा और वो धारा चलने लगेगी। अब उसको कोई आत्मा कह करके कहे कि यहाँ की आत्मा निकली और वहाँ जुड़ी, तो आत्मा शब्द के लिए भगवान कहते हैं, और साधना में आगे जाए तो बात भी समझ में आती है। एक मैं का भाव बना रहता है, जहाँ आत्मा है वहाँ आत्मभाव है, मैं हूँ। और मुक्त अवस्था तक पहुँचने के लिए जब तक ये अहम और मम ये दोनों बिल्कुल क्षय नहीं हो जाएंगे तब तक वो अवस्था आएगी नहीं। तो हम उस अवस्था के लिए एक काल्पनिक आत्मा की मान्यता मान करके दीवारें खड़ी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जिसको तुमने अनुभव ही नहीं किया, खाली मान्यता है तुम्हारी, इस मारे तुमको माने जा रहे हो और इस पर थोपे जा रहे हो, तो अपने लिए बाधा पैदा कर रहे हो, तो इसलिए उसको एक और रखना। तो ये मुक्ति किसकी है? बस वही बात कि ये जो आग जल रही थी, आग में ईंधन था, उसमें पेट्रोल डाले जा रहे थे, वो जल रही थी, ईंधन भी समाप्त हो गया, पेट्रोल भी नहीं डाल रहे, आग बुझ गई। अब किसकी बुझ गई? आग बुझ गई, बस यही समझना चाहिए कि आग बुझ गई। फिर हुआ? अरे बाप रे, बस आग नहीं। चलो, आप पूछते हैं कि मुक्ति किसकी हुई? बहुत पुराना प्रश्न है, आज भी ये होता है बार बार। एक बात को अच्छी तरह समझें कि बंधन किसका है। गांठ बंधी हुई है, बस गांठ खुल गई, बंधन खुल गया। ऐसे ही जलन हो रही है, अब ईंधन है और उस ईंधन में कोई तेल या घी डाला जा रहा है, तो वो आग जल रही है। हमारा ईंधन भी समाप्त हो गया, हमारा तेल घी भी समाप्त हो गया, आग बुझ गई। तो कौन बुझ गया और बुझ के कहाँ चला गया? ये कुरी कल्पनाओं की बातें हैं, उसमें हमें मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं। इसी को अगर अनुभूति पर उतार लेता है आदमी, अपने विकारों को धोते 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 इंद्रियों के परे की अवस्था का जब साक्षात्कार हो जाता है, तब सारा रहस्य बिल्कुल समझ में आ जाता है। उस समय ये मैं मुक्त हुआ की बात समाप्त हो जाती है। मुक्ति हुई, विकारों की मुक्ति हुई, खुली गांठें खुली, मैं कहाँ। हम कहते हैं हमारे साधकों से जब लोग आते हैं कि बाबा इस जंजाल में अगर पड़े रहोगे तो काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमको एक कल्पना चाहिए इस बात की कि मैं तो हूँ, जरूर हूँ, तभी मेरी मुक्ति होगी। मैं तो हूँ इसीलिए पुनर्जन्म मेरा होगा। इसको जरा एक और रखो ना, है तो भी न है तो भी। ठीक इसी प्रकार जैसे लोग आते हैं, ऐसी परंपराओं से आते हैं जो पूर्व जन्म भी नहीं मानते, पश्चात जन्म भी नहीं मानते, और कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, पूर्व जन्म की बातें पश्चात जन्म की बातें, हम तो नहीं मानते। हम कहते हैं मत मानो, बिल्कुल मत मानो, जब जान लेना तब मान लेना। इस जन्म को तो मानते हो ना, ये तो अनुभव हो रहा है ना तुम्हें, बस इस जन्म की जो कठिनाइयाँ हैं भीतर ही भीतर, उसको दूर करना सीखो। तो इसी तरह से मुक्ति किसकी हुई, ये वो अवस्था आएगी तब अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। आज बुद्धि के स्तर पर हजार बहस करें कोई मायने की बात नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होता। एक चीज रह गई थी जो मैंने पूछी कि आज का जो मनोविज्ञान है वो बुद्ध से कहाँ तक राजी है, और बुद्ध से उसके क्या ऐसा निर्देश या सहयोग मिल रहा है बुद्ध की? आज का मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, कहें उसे चेतन चित्त कहें, बाकी अर्धचेतन है, अचेतन है, हाफ कॉन्शियस कहें, अनकॉन्शियस कहें, और वो भी इस बात को मानते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जब तक ये हैं तब तक हमारा सुधार नहीं हुआ,
हमारा रोग नहीं दूर हुआ। अब जब वैसे लोग विपश्यना में आने लगे तब उनके ये बात समझ में आई कि जिसको हम अनकॉन्शियस कह रहे हैं उसकी भी तो कल्पना ही हमारे सामने, हमें अनुभव कहाँ हुआ। शरीर को साथ जोड़े बिना जिसको हम अनकॉन्शियस कह रहे हैं उसका हमें अनुभव नहीं हो सकता। ये जिसको अनकॉन्शियस कहे जा रहे हो वो प्रतिक्षण कॉन्शियस रहता है, इसलिए भारत की पुरानी परंपरा में अनकॉन्शियस जैसा शब्द नहीं है। तो ये जो अवस्था हमारे चित्त की जो बहुत गहराई की अवस्था है वो अवस्था प्रतिक्षण शरीर के साथ जुड़ी होती है। अब वो इस बात को समझने लगे, रात को आदमी गहरी नींद में सोता है, कौन सोता है, उसका ऊपर ऊपर का कॉन्शियस माइंड सो गया। जिसको तुम अनकॉन्शियस कहते हो वो प्रतिक्षण जागृत है, और जागृत इसी बात पर है कि शरीर में कहाँ क्या हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है। रात को गहरी नींद में सोए हो, कोई मच्छर ने काटा, कॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, अनकॉन्शियस झट कहेगा कुछ हुआ, खटपट, प्रतिक्रिया कर, खुजलाएगा, मच्छर को उड़ा देगा, खुजलाएगा। रात भर न जाने कितनी बार तूने इस तरह की प्रतिक्रिया की, सुबह कोई पूछेगा कि रात को कितने मच्छर काटे, कुछ नहीं पता, क्योंकि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में इतना बड़ा बैरियर है। बुद्ध इस बैरियर को तोड़ते हैं। ये बात उनके समझ में आने लगी कि अनकॉन्शियस तक जाना है तो इन बॉडी सेंसेशन के साथ ही जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रतिक्षण अनकॉन्शियस के साथ जुड़ी रहती है। रात की बात नहीं, दिन में भी ऐसे ही है। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ अगर विपश्यना नहीं की होगी तो क्या अवस्था होगी हमारी, हमारा मानस काम करता रहेगा, अब ये बोलना है, अब ये प्रश्न आएगा तो ऐसा उत्तर देंगे, ये करेंगे, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारा माइंड ये इंटेलेक्ट करता रहेगा, बुद्धि करती रहेगी। जो अनकॉन्शियस है वो केवल शरीर की संवेदना देख रहा है। अब इतनी बड़ी काया एक आसन पर बैठा हूँ, यूँ कहीं से दर्द शुरू हुआ तो अनकॉन्शियस कहेगा अरे दर्द शुरू हुआ, दबाव शुरू हुआ, जल्दी बदल, तो यूँ कर लूँगा थोड़ा सा, यहाँ शुरू हुआ यूँ कर लूँगा। घंटे भर में किसी को देखो, एक आदमी को बैठे हो, कितनी बार यूँ करेगा, ऐसे मचकेगा, ऐसे मचे, उस बेचारे को पता नहीं, औरों को पता नहीं कर क्या रहा है, खुद को नहीं पता, बैरियर है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में। ये बात अब वेस्टर्न साइकोलॉजी वालों को समझ में आने लगी कि माइंड और मैटर को साथ जोड़े बिना हम मन का पूरा विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका पूरा दर्शन नहीं कर सकते। बुद्ध ने मन का पूरा दर्शन करना सिखाया, इसलिए सह चित्त परियोदपनं और शब्द इस्तेमाल किया। माने केवल सफाई नहीं करनी है, परियोदपनं, परिपूर्ण सफाई करनी है। ऊपर ऊपर की सफाई तो हो जाएगी, तुम अपने चित्त को किसी आलंबन में किसी शब्द को लेकर के तुमने एकाग्र कर लिया, एक बार निर्विचार हो गया चित्त तो बड़ा शांत हो गया, निर्मल भी हो गया, भीतर तो गंदगियां भरी पड़ी है। तो परिपूर्ण रूप से करने के लिए तुमको अंतर्मन की गहराई तक जाना पड़ेगा, और अंतर्मन की गहराई तक जाने के लिए शरीर की संवेदनाओं का साथ लेना पड़ेगा। तो माइंड और मैटर का जो इंटरेक्शन है ये अब वेस्ट में समझ में आ रहा है और वो स्वीकार कर रहे हैं। ये जो विकार पैदा होते हैं दो सवाल हैं, एक तो विकारों के संबंध में मुझे ये समझ में नहीं आया कि पहली बात ये विकार पैदा ही क्यों होते हैं, क्या ये नैसर्गिक प्रक्रिया है जो जीवन के जो नियम है उसके अंतर्गत आती है, या इसके पीछे कोई दूसरा कोई खास कारण है। अगर स्वभाव मुक्ति का है, या तो मुक्ति स्वभाव है या फिर वो अंतिम जो अवस्था है वो है, जो भी हो, तो ये विकार क्यों पैदा होता है, इसका विज्ञान क्या है। प्रकृति में अच्छाई बुराई दोनों ही स्वभाव हैं। आज की विज्ञान की उपलब्धि एटॉमिक थ्योरी, अब अगर हम अपने अज्ञान से उसका दुरुपयोग करें तो वो भी उसका स्वभाव है। एटम को इस तरफ फोड़ेंगे इतनों का नाश होगा, होगा ही, प्रकृति का नियम है। उसका हम वो दुरुपयोग न करके कुछ सदुपयोग करेंगे तो वो भी प्रकृति का स्वभाव है, हम उसका सही ढंग से उपयोग करने लगे। धर्म हमें यही सिखाता है कि प्रकृति के नियमों को समझो, और समझ करके जो जो हमारे कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं नियम उनको तो फॉलो करो, और जो जो हमारे कल्याण में बाधक होते हैं उनसे दूर रहो। होता ये है
कि पुरानी भाषा में जैसे अविद्या कहा, इग्नोरेंस कहा, अज्ञान कहा, तो धीरे धीरे लोग अविद्या अज्ञान का ये अर्थ लेने लगे कि जिसको धर्म की थ्योरी का ज्ञान नहीं है वो अज्ञान, वस्तुतः जिसको अनुभूति से धर्म का ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। पुस्तकें हजार पढ़ा हो, शास्त्र हजार पढ़ा हो, बुद्ध की वाणी भी खूब समझा सकता हो, बोल सकता हो, अनुभूति पर नहीं उतरी, तो उस अज्ञान अवस्था में ऊपर वाला चित्त जानता भी नहीं कि भीतर भीतर क्या हो रहा है। अज्ञान अवस्था में जो रिएक्ट किए जा रहा है वो विकार जगाए जा रहा है, तो ये उसका गलत स्वभाव है, जिस गलत स्वभाव में वो पड़ गया। जैसे एक आदमी शराब पीने लगे और अब कहे मेरा स्वभाव हो गया, मैं तो पीता हूँ, तेरा स्वभाव तो हो गया पर तेरे लिए कितना हानिकारक है इसे समझ। ठीक इसी प्रकार ये विकार जगाने का स्वभाव तो हो गया पर इसकी वजह से कितनी बेचैनी पैदा होती है, कितनी अशांति पैदा होती है, इसे समझ और इसके बाहर निकलने का ये रास्ता है। तो चित्त अपने आप में जब तक ये विकार नहीं आते उसमें तब तक बड़ा निर्मल है, बड़ा शांत है, बड़ा सुखी है। विकार आते ही वो अपनी समता खोता है, संतुलन खोता है, बेचैन हो जाता है। तो उसका इस तरह से विकार जगा के बेचैन हो जाना भी प्रकृति का नियम है, और इन विकारों से छुटकारा पाकर शांत हो जाना भी प्रकृति का नियम है। हम चुने कि कौन से प्रकृति का नियम का हम उपयोग करें अपने कल्याण के लिए, वो हम कर सकते हैं, सारी वैज्ञानिक बात है। इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्न है कि जो बुरी आदतें या व्यसन जो है वो भी क्या, जो विबुद्धि की साधना पद्धति है इससे दूर होते हैं, उन पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल, ये भी एक व्यसन ही है। एक व्यक्ति बुद्धि से हजार समझता है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अब क्रोध जगाया जा रहा है, व्याकुल हो रहा है, फिर रोता है, मुझको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा शरीर से हाथ नहीं उठाना चाहिए था वगैरह। दूसरी बार वैसी परिस्थिति आती है फिर उसी प्रकार करता है, तो व्यसन है ना, क्रोध का व्यसन है, ऐसी वासनाओं का व्यसन है, भय का व्यसन है, अहंकार का व्यसन है। ये जो बाहरी व्यसन है ये उसके मुकाबले बहुत छोटे हैं, लेकिन ये सारे निकल जाते हैं। एक बात जो बुद्ध ने ये देखी, जो कि भारत का बुद्ध के पूर्व का जो आध्यात्मिक सच्चाई थी, स्थिति थी, और यहाँ तक कि बुद्ध के बाद भी जो हुई, एक बात सबसे छूट गई। हर व्यक्ति धर्म की बात करते हुए कहता है कि ये इंद्रिय जगत जो है, इंद्रियाँ और इनके विषय, इनमें उलझो मत, इनसे अपने को दूर रखो, इनसे अपने को दूर रखो। बुद्ध एक कदम आगे जाता है, ये छह इंद्रियां हैं, इनके छह के विषय हैं अलग अलग, जब इनका स्पर्श होता है, स्पर्श होने पर जो संवेदना होती है, तुम उस संवेदना को लेकर के उलझो मत, राग या द्वेष मत करो, कोई उस गहराई में नहीं गया, केवल इंद्रियों के चिपकाव से या इंद्रियों के साथ दुराव करके तुम राग द्वेष न पैदा करो, इतने में ही गया। वो कहता है कि सड़ाए तन पच्चया फस्स, इस छह इंद्रियों से स्पर्श होता है, फस्स पच्चया वेदना, इस स्पर्श से एक तरह की वेदना होती है, वेदना पच्चया तणहा, वेदना होती है तब तुम राग की या द्वेष की तृष्णा जगाते हो, ये तुम्हारे दुखों का कारण है। तो उस गहराई में जाकर के जब देख लिया कि शरीर की संवेदनाओं की वजह से हम राग या द्वेष जगाते हैं, न कि इंद्रिय विषयों की वजह से, तब ये बात समझ में किसी के भी आ जाएगी कि ऊपर ऊपर से तो लगता है कि मुझको शराब का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, ड्रग का व्यसन है, ऊपर ऊपर का सत्य है, ये अपेरेंट ट्रूथ है, सही बात है। गहराई में जाएंगे भीतर तो मालूम होगा कि हमें जो व्यसन है वो सिगरेट का नहीं, शराब का नहीं, ड्रग का नहीं। सिगरेट पीने से हमारे भीतर किस तरह की संवेदना चलती है, वो संवेदना हमें बड़ी प्रिय लगती है, बार बार चाहते हैं वैसी संवेदना फिर मिले, वैसी संवेदना फिर मिले। ये तो अनकॉन्शियस माइंड चाहता है, कॉन्शियस बेचारे को क्या पता, उसको तो सिगरेट दिखती है, सिगरेट फिर पी लूँ ठीक हो जाएगा, शराब फिर पी लूँ ठीक हो जाएगा, ड्रग फिर ले लूँ मैं ठीक हो जाऊँगा। वो इन गहराइयों में जा ही नहीं पाया क्योंकि बैरियर है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में, बुद्धि बैरियर तोड़ते हैं। तो साफ पता लगता है कि जो शराब का व्यसन है वो शराब का व्यसन नहीं, शराब की वजह से जो हमें संवेदनाएं शरीर पर होने लगी व्यसन उसका है। तो उसको यदि हम देखते हुए प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जो संवेदना जागी उसी को हमने देखना सीख लिया साक्षी भाव से, भोक्ता भाव समाप्त हुआ, भोक्ता भाव समाप्त हुआ। तो अब मान लो कि एक अर्ज उठी भी, बहुत लोग आते हैं शिविरों में, उनको समझाते हैं आगे जाकर इसका उपयोग जीवन में कैसे करोगे, शराब पीड़ी है सामने और पुरानी आदत है एक अर्ज उठी पीने की,
तो उसको पीने के पहले तो 10 मिनट तक केवल शरीर की संवेदना देख, ये देख कि तेरे मन में अर्ज उठी है शराब की और इस समय संवेदना क्या हो रही है, उन दोनों का संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये संवेदना देख अनित्य है, अनित्य है, अनित्य, ये अर्ज भी अनित्य है, देखते कितनी देर रहती है, देखते देखते समाप्त हो जाएगी, कितने लोग निकल गए, निकल ही जाते हैं। तो ये शरीर की संवेदनाओं को देखने का जो काम है वो अपने आप में बुद्ध की एक बहुत बड़ी देन है विश्व को, मानव को, चाहे उनको मनोवैज्ञानिक वेत्ता कहें, चाहे शरीर वेत्ता कहें, चाहे कोई वैद्य कहें, सारे उपचार के लिए ये शरीर की संवेदना बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध में बुद्ध की दृष्टि क्या है? अगर कोई व्यक्ति घर बार छोड़ के सन्यासी होता है तो स्वभाव तो उसे सेक्स के बाहर निकलना है। अब उसके लिए विपश्यना बहुत काम करती है। हम देखते हैं शिविरों में बहुत बड़ी संख्या में मुनि आते हैं, सन्यासी आते हैं, और उनसे बड़ी संख्या में आजकल ये क्रिश्चियन पादरी और नंस आती हैं। अब कोई दोष नहीं है इनका, किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन अब किसी बेचारे ने ब्रह्मचर्य का व्रत तो ले लिया, अब मनुष्य है, पुरानी आदत है, सेक्स जागृत होता है, वासना जागृत होती है, तो या तो उसका दमन करता है, दमन करता है तो ग्रंथियां बंधती है, भीतर से बेचैनी होती है, टेंशन पैदा होती है, या फिर उसको खुली छूट देता है कहीं, और जहां खुली छूट देता है तो मन ही मन एक अपराध की ग्रंथि, हमसे गलत बात हो गई, तो इन बेचारों की अवस्था बड़ी दयनीय अवस्था है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी सेवा हो गई इनकी, और शिविर में आकर के इन्होंने कुछ पाया कि नहीं पाया, दो चार शिविरों में बैठ करके इस लायक हो जाते हैं कि वासना जागी, तो जिस आलंबन को लेकर वासना जागी उसका महत्व तो नहीं है, मेरे भीतर इस समय वासना जागी, मैं देख रहा हूँ उसको, इस समय वासना जागी है, और देखें इस समय शरीर पर संवेदना क्या हो रही है, उस समय जो संवेदना होगी वासना से जुड़ी हुई संवेदना है, हम उसे देख रहे हैं, आदत पड़ गई उसको साक्षी भाव से देखने की, देखते 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 खत्म हो गई, तो न हमने उसका दमन किया और न उसको फ्री लाइसेंस दिया, छुटकारा हो गया हमारा। तो ये तो गृह त्यागियों के लिए, जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये ब्रह्मचर्य अनिवार्य है ऐसा नहीं, लेकिन आगे ऊंची ध्यान की अवस्थाओं में जाने पर सहज भाव से ब्रह्मचर्य हो जाता है, वो अलग बात हुई, दमन और खुली छूट की बात नहीं। गृहस्थों के लिए एक बात बहुत जरूरी ये बताई कि बीच बीच में तुम्हें कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए इस साधना के बल पर। तो महीने में 4 दिन ऐसे दिए उन्होंने, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और 2 अष्टमी। इन 8 दिनों में तुम सुबह से शाम तक अपनी साधना करोगे और उस समय 24 घंटे तक कोई सेक्स नहीं, किसी तरह का मैथुन का कार्य नहीं होगा। तो एक अभ्यास बना रहे हैं कि बिना मैथुन के भी हम कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात कि अब जो मैथुन भी है, सेक्स भी है, वो डिसिप्लिन्ड हो, सेक्स मैनियक ना हो जाए। तो अपनी पत्नी के ही साथ, पत्नी का पति के ही साथ संपर्क रहेगा, शरीर का संबंध रहेगा, तो धीरे धीरे अगर दोनों साधक हैं तो उसमें से वो संबंध थोड़ा कम होते 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 उसके बाहर निकल जाएंगे, और आज ये, कल वो, परसों वो, तो उस आग में और घी पड़ता जाएगा, वासना और बढ़ती जाएगी तो निकल ही नहीं पाएंगे उससे। तो गृहस्थ के लिए नितांत ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, ऐसी बुद्ध की शिक्षा नहीं। गृह त्यागी के लिए नितांत ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना होगा, ये आवश्यक है। गृहस्थ के लिए व्यभिचार से बचना आवश्यक है, और धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन बना के साधना की ऊंचाइयों में इसके बाहर निकलना आवश्यक है। जैसे कुछ और लोगों ने इसका उपयोग किया है, सेक्स का या मैथुन का उपयोग किया है, जो यहाँ के जो परंपरा रही है तांत्रिकों की, हाँ हाँ, वो परंपरा बुद्ध के पहले की है या बाद की? अगर बुद्ध की पहले की हो तभी बुद्ध ने कुछ उसके बारे में बोला होगा। मैं समझता हूँ कि ये सारी बात की है, हाँ, क्योंकि कहीं बुद्ध ने इस तरह की बात नहीं कही, और बहुत से लोग शिविरों में आते हैं, हर परंपरा के आते हैं, हर परंपराओं के गुरुओं से भी मिलना होता है, वो भी आते हैं, मिलते हैं, तो ये एक दूषित आचरण ही हुआ तंत्र के नाम पर। अब कोई व्यक्ति ये समझता है कि मेरे लिए मैथुन अनुचित है, फिर भी मैथुन किया चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी एक आड़ ले ली कि अब ये तंत्र की ऊंची अवस्था प्राप्त करने के लिए मुझे मैथुन करना पड़ता है, मुझे मध्य लेना पड़ती है,
मुझे तो इसमें दोष ही दोष नजर आता है। आज के संदर्भ में जो बुद्ध की शिक्षा है वो कितनी प्रासंगिक है या उपयोगी है आज के विश्व को देखते हुए, आज के मनुष्य को देखते हुए? मैं समझता हूँ या मेरी निश्चित धारणा है कि आज इस शिक्षा की जितनी ज़रूरत है उतनी शायद उस समय भी नहीं रही होगी जबकि बुद्ध ने यह शिक्षा लोगों को दी। वैसे तो सारी की सारी बात वैज्ञानिक है, जब वो सिखाते हैं तो बार बार ये कहते हैं इमस्मिंग सति इदं होती, इमस्मिंग असति इदं न होती, ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही, ऐसा होगा ही, ये नहीं होगा तो ये परिणाम नहीं आएगा। तो बिल्कुल साइंटिफिक बात है, दो हिस्से की हाइड्रोजन और एक हिस्से का ऑक्सीजन मिलेगा तो मॉइस्चर आएगा ही, ये दोनों नहीं मिलेंगे मॉइस्चर नहीं आएगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो तुम अगर विकार जगाओगे तो तुम व्याकुल होगे ही, तुम विकार नहीं जगाओगे तुम व्याकुल नहीं होगे। तो बिल्कुल साइंटिफिक वैज्ञानिक निसर्ग के नियमों के मुताबिक बात है, जो शाश्वत है सनातन है, बुद्ध का समय हो, उसके पूर्व का समय हो, उसके बाद का समय हो, आज का समय हो, बिल्कुल वैसे ही है। आज क्यों इसकी ज़्यादा उपयोगिता है, क्यों इसकी ज़्यादा आवश्यकता है कि बड़े दुर्भाग्य से, वैसे तो सारे विश्व में, अपने भारत में बड़े दुर्भाग्य से धर्म के नाम पर, मैं तो कहूँ अधर्म चल पड़ा। आज जो हम धर्म को ऐसी संज्ञा देने लगे, ये हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये ईसाई धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये सिख धर्म, इससे बेचारा धर्म जिसकी इतनी बड़ी महानता है, उसका अपना एक इतना बड़ा महान व्यक्तित्व है, वो तो कहीं चला गया। अब हिंदू धर्म कहें तो हिंदू प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। बौद्ध धर्म कहें तो बौद्ध प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। मुस्लिम धर्म कहें मुस्लिम प्रमुख हो गया, धर्म गौण हो गया। धर्म का जैसे अस्तित्व ही खो बैठे। आज तो कोई एक व्यक्ति अपने को कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर जैन, कट्टर बौद्ध महज इसलिए कहता है कि वो उस परंपरा की या उस संप्रदाय की अमुक अमुक कर्मकांड को पूरा कर लेता है, या अमुक अमुक दार्शनिक मान्यता को मान लेता है, या अमुक अमुक वेशभूषा मना लेता है, या अमुक अमुक तीज त्यौहार मना लेता है, बड़ा धार्मिक है। उस व्यक्ति का हो सकता है धर्म का कोई लेन देन न हो, उसके जीवन में कहीं धर्म का नामो निशान न हो, उसमें कहीं सदाचार का नामो निशान न हो, उसके चित्त में कहीं निर्मलता का नामो निशान न हो, और फिर भी अपने को धर्मवान मानता है, धोखे में है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ी, इस दोष की वजह से बहुत बड़ी हानि भारत, इन्हीं सारे विश्व में, भारत में विशेष रूप से, क्योंकि इसको लेकर के जो भिन्न भिन्न संप्रदाय खड़े हो गए और धर्म के नाम पर हो गए। एक आदमी धार्मिक है या नहीं, लेकिन क्योंकि कट्टर हिंदू है तो समझता है कट्टर धार्मिक हूँ, कट्टर मुस्लिम है तो कट्टर धार्मिक हूँ, कट्टर बौद्ध है तो कट्टर धार्मिक हूँ। कैसे कट्टर धार्मिक हो गए भाई तुम? न शील है, न सदाचार है, न मन तुम्हारा वश में है, न तुम्हारा मन निर्मल हुआ, प्रकृति के नियम तुम पर ऐसे लागू पड़ते हैं, तुम विकार जगाते हो, व्याकुल होते हो, अपने को हिंदू कहो तो भी व्याकुल होते हो, मुस्लिम कहो तो भी व्याकुल होते हो, बौद्ध कहो तो भी व्याकुल, क्या कर रहे हो? तो ये बावलापन सिर पर से उतरे। तो ये सारे समाज हैं, हिंदू समाज, बौद्ध समाज, जैन समाज, अपने अपने किसी सामूहिक बातों के लिए अगर संगठन करते हैं जिससे किसी दूसरे की हानि ना हो, ऐसा संगठन करते हैं, करें, कोई दोष की बात नहीं। अरे बेचारे धर्म को क्यों जोड़ते हैं इसके साथ? लेन देन नहीं, धर्म को अलग रखें। धर्म तो सार्वजनीन है, सबका है, कुदरत का कानून है जो सब पर, सब समय, सब देशों में लागू होता है। सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सनातन है। उस रूप में धर्म को जिस दिन देखना शुरू कर देंगे, उस दिन बुद्ध की बात समझ में आई, देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो बात बुद्ध ने उस समय कही कि ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था और सो भी जन्म को लेकर के जो चलाई गई, बहुत बड़ी हानि है समाज की। आज हम देखते हैं कि बुद्ध के बाद कुछ ठीक हुई, लेकिन फिर ऐसा एक माहौल तैयार हुआ कि जितनी कड़ाई उस समय थी उससे बढ़कर कड़ाई आई, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं तो कहता हूँ उसी की वजह से देश का विभाजन हुआ, और आगे जाकर न जाने और कितने बुरे परिणाम आने वाले हैं। तो इसको जितनी जल्दी समाप्त कर सकें उतना अपना कल्याण हो जाए। आखिर इसको क्यों छाती से चिपकाए बैठे हैं? बात जब ये समझ में आने लग जाएगी कि हम ब्राह्मण घर में जन्मे हैं तो भी विकार जगाएंगे तो कुदरत हमें तत्काल दंड देगी, और वही दंड देगी जो एक शुद्र विकार जगाने पर दंड पाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं।
और एक ब्राह्मण भी अगर विकार जगा के व्याकुल होता है उसके बाहर निकल सकता है, तरीका है, कुदरत ने तरीका दिया है, बुद्ध ने तरीका दिया है, ऐसे ही एक शूद्र भी निकल सकता है। ये क्या फर्क हुआ भाई, काहे ब्राह्मण काहे शूद्र। एक धार्मिक व्यक्ति अधार्मिक बन सकता है अपनी नादानी से, एक अधार्मिक व्यक्ति अपनी समझदारी से धार्मिक बन सकता है। हर व्यक्ति में गुंजाइश है कि वो कैसे आगे बढ़े। देश में ये बात जितनी फैलेगी उतना ही देश का कल्याण होगा। ये दोनों के दोनों जो देश के आज बहुत बड़े बंधन हैं और इतना विग्रह पैदा कर रहे हैं, इतना तनाव पैदा कर रहे हैं, दौर्मनुष्य पैदा कर रहे हैं, ये दूर होगा। और यही बात सारे विश्व पर लागू पड़ती है। सारे विश्व के लोग इस बात को समझना शुरू कर दें कि धर्म का इन सारी बातों से लेन देन नहीं है, तो धर्म को लेकर के जो भाव वेश जगाया जाता है, जो जज्बात जगाए जाते हैं, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। कोई लेन देन नहीं, वो तो अलग है भाई, उससे क्या मतलब। धर्म तो ये है, सदाचार का जीवन जीना है, मन को निर्मल करना है, स्वच्छ करना है। और निर्मल हुआ कि मैत्री से भर जाएगा, करुणा से भर जाएगा, सद्भावना से भर जाएगा, जीवन बिल्कुल जीने लायक हो गया, एक जीने की कला सीख ली। देश के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ सवाल हैं छोटे छोटे, पूछिए पूछिए। को देख लेते हैं कि एक तो बुद्धत्व के बाद बुद्ध के पहले वचन क्या थे, पहली घोषणा जो उन्होंने की। बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है, उससे एक जो उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सारा उसमें प्रकट हो जाता है। ठीक ठीक बुद्धत्व प्राप्त करके बुद्ध की पहली घोषणा क्या हुई। बड़े अनमोल शब्द हैं, किसी व्यक्ति के अपने अनुभवों के उद्गार सामने आए हैं। वो कहते हैं, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिंबिसंग गहकार गवे संतु दुखा जाति पुन पुन गह कारक दिठोसी पुनगे हंग ने कहसी सब बाते फासुका भग्गा गह कूतंग विसंकितंग विसंकार गतंग चेतंग तणहानं खयमज्जगा। बुद्धत्व प्राप्त होने पर एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति जागृत हुई, जो ध्यान करने वालों को ध्यान की एक अवस्था में जागृत होती है। बुद्ध की अवस्था पर पहुंचने पर वो बड़ी बलवान होती है, पूर्व जन्म की स्मृतियां जागती हैं। तो ये देखता है अपने पूर्व जन्मों को कि जहां कोई आदि नहीं नजर आती, कब से ये जन्म चल रहा है। तो अनेक जाति संसारं, इस संसार में न जाने कितनी बार मैंने जन्म लिया है, जन्म लिया है, जन्म लिया है। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिव्यसंग, संधावन करते रहा, दौड़ लगाते ही रहा। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु की ओर दौड़ लगाता है, एक क्षण रुकने की फुर्सत नहीं उसे, भागता है मृत्यु की ओर ही भागता है, भागता ही रहा, कहीं नहीं रुका, अनिव्यसंग रुक ही नहीं पाया। अरे कब से चल रहा है। फिर देखता है कि अनेक जन्मों में क्या किया, गह कारण गवे संतु, ये बार बार नया नया घर कौन बना देता है। मृत्यु होती है फिर एक नया घर तैयार है, एक नया शरीर तैयार है, मृत्यु होती है फिर एक नया शरीर, कौन बनाता है। तो इसकी गवेषणा में न जाने कितने प्रयत्न किए, गह कारण गवे संतु दुख जाति पुनः पुनः, बार बार दुख में जन्म होता ही गया। इस जीवन में इस योनि में हुआ कि उस योनि में हुआ, लेकिन सामने मृत्यु आई ही, तो इस प्रकार ये दुख में जीवन चलता ही गया। गह कारक अरे घर बनाने वाले अब तू देखा गया, माने अभी सारा प्रपंच समझ में आ गया। गह कारक दिठोसी पुन गेहंग नय काहसी, अब तू मेरे लिए नया घर नहीं बना सकता, यानी अब मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। तो गह कारक दिठोसी पुन गेहंग नय काहसी सब बाते फासुका भग्गा गह कूतंग विसंकितंग। उन दिनों मकान बनाने की एक प्रणाली होती थी कि सेंटर में तंबू की तरह एक बहुत मोटा स्तंभ, ऊंचा स्तंभ हो और गोलाकार अन्य स्तंभ लगाए जाएं और उनको कड़ियों से बांधा जाए
इस प्रकार घर का निर्माण हो, तो जितनी कड़ियां हैं वो टूट गई, ये स्तंभ बीच वाला है ये समाप्त हो गया, अब काहे से नया घर बनेगा भाई। तो विसंखारगतं चित्तं, अब मेरा चित्त सारे भव संस्कारों से विमुक्त हो गया, जो नया जन्म देने वाले संस्कार थे भीतर वो सारे समाप्त हो गए। तणहानं खयमज्जगा, उस अवस्था का साक्षात्कार हो गया जहाँ तृष्णा का नामो निशान नहीं होता, मन निर्वाण का साक्षात्कार हो गया। तो वो सारा का सारा ये भव प्रपंच उसके समझ में आया, कैसे जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ये सारी कड़ियाँ हम साथ जोड़े चलते हैं संस्कारों की, कर्म संस्कारों की, उसकी वजह से मृत्यु के समय कोई ना कोई संस्कार सिर उठाता है, उसकी वजह से जन्म होता है, कोई ना संस्कार सिर उठाता है जन्म होता है, अब कुछ संस्कार उससे उठाने के लिए है ही नहीं तो वो मुक्त हो गया। तो ये सारी विद्या इसमें समा गई, और ये सारा प्रपंच कैसे भर प्रपंच चलता है वो सारा इसमें समा गया, बात समझ में आ गई। कुछ और प्रतीक जो हैं या जो वास्तविक घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन में, कि घर छोड़ने के पहले जब उनका महाभिनिष्क्रमण के पहले जो चार घटनाएं हैं, कि बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, एक मुर्दे को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा, ये प्रतीकात्मक हैं कि वास्तविक घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई और इसका कोई पहलू है? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इन चारों बातों को लेकर के बहुत तरह के संदेह भी खड़े होते हैं, और कहीं कहीं मान्यता यूँ लगती है जैसे कोई अंधमान्यता हो। मेरी समझ में जो बात आई कि उस व्यक्ति को अनेक जन्मों के इस प्रकार के विरक्ति के संस्कार जो उसके भीतर थे, उसकी वजह से वो अपने घरेलू जीवन में देखता है चारों ओर कि लोग किस कदर बात बात में व्याकुल हो जाते हैं, बात बात में चिंतित हो जाते हैं, चारों ओर दुख समाया हुआ है, तो इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा, जरूर होगा, मुझे इसकी खोज करनी है, मुझे इसकी खोज करनी है। मुझे यूँ लगता है कि ये चारों घटनाएं घटी अवश्य, लेकिन ये पहली बार घटी ऐसा न मान करके हम ये कहेंगे कि इस समय जब ये घटना घटी, वो मानस जो इतने दिनों से इस चिंतन में था कि कोई रास्ता इससे बाहर निकलने का, अब उसको और बल मिला। अरे इसी प्रकार हर आदमी जन्म लेकर के बूढ़ा होता है, मैं भी ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊँगा। हर आदमी इसी से जन्म लेकर बीमार होता है, मैं बीमार ऐसे ही होऊंगा। मरता है, मैं भी ऐसे मरूंगा। और एक सन्यासी को देखता है चित्त में, उसकी शांति है, चेहरे पर शांति है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा आखिर इसके बाहर निकलने का। बस इस माने में ये सही भी है, और इस माने में ये भी है कि इसकी वजह से एक प्रेरणा ऐसी जागी कि बस जल्द से जल्द हमको इसकी खोज करनी है, और घर बैठे हो नहीं सकती, हम बाहर निकल के करेंगे, यही इसका महत्व है। एक और घटना है बुद्धत्व के ठीक पहले, खीर खाने के बाद, जाता कि खीर खाने के बाद उन्होंने जो सोने का थाल नदी में किया प्रवाहित, और ये शायद उनके शब्द ये थे कि अगर मुझे आज बुद्धत्व मिला तो ये थाल जो है धारा की उल्टी तरफ चल पड़े। अब इसमें थोड़ी कविता हो सकती है और तथ्य भी हो सकता है। मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूँ कि मानस जितना पवित्र होगा उतने ही उसके संकल्प बलवान होंगे और अच्छाई की ओर होंगे। तो बहुत बार ऐसा दैनिक जीवन में देखते हैं कोई सचमुच संत पुरुष हो और वो ये संकल्प करे कि भाई ऐसा कल्याण हो जाए, और हम देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है उस वाणी का, क्योंकि वो संकल्प बड़े शुद्ध चित्त से है। तो हो सकता है कि इन्होंने ये संकल्प किया कि अगर सचमुच आज अवस्था प्राप्त होने वाली है तो ये धारा के प्रतिकूल जाए। अब दूसरी ओर कि ये बिल्कुल न घटी हुई कोई घटना है और आरोपित कर दी गई। मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि हम दोनों ही बात को क्यों महत्व दें। मुख्य बात तो बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, और उस बुद्धत्व प्राप्त करने पर अपना कल्याण किया और लोक कल्याण में लग गए, जिसका लाभ आज तक हम ले सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चमत्कारिक बातें सही भी हो सकती हैं, हम नहीं कहते सब झूठी हैं, हो सकता सही नहीं भी हो, हम इन्हें महत्व नहीं दें तो ही ठीक है। बुद्ध ने स्वयं दो घटनाओं को महत्व दिया है। उसके बाद उनका जो ये पहला भोजन था खीर सुजाता की, और अंतिम भोजन जो महापरिनिर्वाण के पहले उनको दिया गया,
तो इसके पीछे भी क्या कोई अर्थ है, कुछ इसके दूसरे पहलू हैं? ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कितने जन्मों से अनेक जाति संसारंग, अनेक जाति संसारंग, संधा विसंग निभिसंग, कितने जन्मों से भटक रहा है और अपनी पारमिताएं बढ़ा रहा है कि मुझको वो अवस्था प्राप्त हो जाए जिससे ये भव भ्रमण से मैं छूट जाऊं। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये बोधिसत्व का, यानी उस व्यक्ति का जिसमें बोधि का बीज है लेकिन बुद्ध नहीं बना अभी, बोधिसत्व का ये अंतिम भोजन है। और उस अंतिम भोजन, उस भोजन से उसे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उस ऊर्जा से वो व्यक्ति सम्यक संबोधि प्राप्त करता है। तो सचमुच दान देने वाले का बहुत बड़ा पुण्य है कि हमने ऐसा दान दिया कि जिससे ये व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए उसको बहुत महत्व देते हैं। ठीक इसी प्रकार बुद्ध बन जाने के बाद, ये बुद्ध का अंतिम, ये जीवन का अंतिम क्षण है, जब वो पहली बार निर्वाण का साक्षात्कार करके बुद्ध बने, उस समय भी निर्वाण का तो प्राप्त हुआ लेकिन ये शरीर का बोझ उठाए चल रहे हैं अभी भी। तो कुछ इस प्रकार के शरीर की व्याधियां हैं, कुछ इस प्रकार के कर्म हैं जिनका कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि वो बुद्ध होने के नाते उसको कष्ट नहीं मानते, मुस्कुरा के उसको देखते हैं, लेकिन शरीर का बोझ तो है ही। और अब जो आएगी उसमें तो ये बोझ भी निकल जाएगा, तो उसको निरुपधि शेष निर्वाण कहते हैं। पहले वाला सह उपधि की उपाधि है अभी ये शरीर की, अब ये निरुपधि, अब ये भी समाप्त हो जाएगा। तो जिस भोजन से वो अवस्था प्राप्त हो कि अब तो ऐसा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा जिसमें पुनर्जन्म ही नहीं, तो बड़े महत्व का भोजन हुआ। तो इस दृष्टिकोण से दोनों भोजन सचमुच बड़े पुण्यशाली हैं। बुद्ध हर बात तीन बार दोहराते थे, इसके पीछे क्या रहस्य है? तीन बार हर बात नहीं दोहराते थे, किसी किसी बात को तीन बार दोहराया, किसी किसी बात को तो अनेक बार दोहराया। हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे कोई मंगल कामना किसी की करनी है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसे साधुकार देते हैं, तो साधु 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 तीन बार कहते हैं। तो वो चित्त की तरंगे हैं कि तीनों बार कहते हुए वो चित्त की तरंगे उस व्यक्ति तक भेजते हैं, तो अपनी करुणा की तरंगे भेजते हैं, ज़्यादा बलवान होती है। और बाकी जो अनेक बार दोहराया है वो विषय को स्पष्ट करने के लिए दोहराया है। हर बार हम देखेंगे जहाँ दोहरा रहे हैं वहाँ कोई एक शब्द जुड़ा है, कोई एक शब्द निकला है, इसकी महत्ता है, फिर अगले बार इसकी महत्ता है, अगले बार इसकी महत्ता है। बात लगभग पढ़ने वाले को वैसी ही लगेगी, पर ध्यान से देखेंगे तो वो बात को गहराई से समझा रहे हैं। एक दोहराने का कारण मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है कि उन दिनों लिखा पढ़ी की बात तो थी नहीं, याद करने की बात थी, तो किसी को बार बार दोहरा के कहा जाए तो कंठस्थ करने वालों को आसान हो जाए, ये भी कारण रहा होगा। उनकी वाणी में तो हाँ, तुम उसको संभालो उधर। एक सवाल, बुद्ध के जीवन में जिक्र आता है चमत्कारों का, देवताओं की उपस्थिति का भी जिक्र आता है। आज के संदर्भ में ये अनहोना सा या थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, इसमें कितनी वास्तविकता है और उसका क्या रहस्य क्या है? कोई बड़ी बात नहीं कि वो सही भी हों, और कोई ये भी कहे कि ये बाद में जुड़ी हुई बातें हैं। मैं ये कहता हूँ कि उन चमत्कारों को काहे महत्व दें। बुद्ध इसलिए बुद्ध नहीं है कि उन्होंने कोई चमत्कार दिखाए। इसी तरह से देवता ब्रह्माओं की बात आती है तो हम न भी मानते हों कि कोई देवता नहीं होता, कोई ब्रह्मा नहीं होता, बुद्ध की शिक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अपने मन के इंटरेक्शन को देख रहे हैं, उसको विकार निकाल रहे हैं। जिस दिन इस विद्या के बल पर वो अवस्था प्राप्त हो जाए कि हमें दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए और हम देखें कि सचमुच कोई देवता भी होता है, कोई ब्रह्मा भी होता है, तो मान लें। अन्यथा मान लें ऐसे ही मान लें क्योंकि बुद्ध ने कहा है, क्योंकि कोई गुरु महाराज कह रहा है, तो गलत बात होगी। बिना माने हम बुद्ध की शिक्षा का पालन कर सकते हैं आसानी से। बुद्ध मूर्ति के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, उन्होंने खुद अपनी मूर्ति नहीं बनाने दी। बिल्कुल ठीक। और जितनी मूर्तियां बुद्ध की बनी हैं उतनी शायद किसी की नहीं बनी। बिल्कुल। जहाँ तक कि
बुद्ध शब्द के साथ जो उर्दू में बुत है, बिल्कुल उनके नाम के साथ जुड़ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके बारे में आपका आपकी क्या दृष्टि है? जैसे बार बार कहता हूँ कि गंगा का पानी उद्गम में बड़ा निर्मल होता है, गंगोत्री का जल है बड़ा निर्मल है, बड़ा पारदर्शी है, और आगे समय पा करके इधर का मैल उधर का मैल होते हुए आते गंगा सागर तक की अवस्था हो जाती है। ऐसे ही बुद्ध के मंतव्य को शुद्ध रूप में रखना कठिन हुआ। जैसे हम कहें कि बुद्ध ने कहीं बौद्ध धर्म नहीं कहा, धर्म ही कहा, और अपने अनुयायियों को जो धर्म के रास्ते चलते हैं उनको धार्मिक कहा, धर्मिष्ठ कहा, धर्मी कहा, धर्मविहारी कहा, धर्मचारी कहा, इन पांच शब्दों से प्रयोग किया। कहीं बौद्ध शब्द का नहीं प्रयोग है, बौद्ध धर्म का प्रयोग नहीं है, लेकिन चल पड़ा बौद्ध धर्म और बौद्ध। इसी तरह से उन्होंने दर्शन कोई सिखाया नहीं, उनके नाम पर दर्शन चल पड़े बौद्ध दर्शन। वो संप्रदाय के बड़े विरोधी थे, उनके नाम पर एक नहीं अनेक संप्रदाय बन गए। ठीक इसी प्रकार वो नहीं चाहते थे कि किसी मूर्ति को रख करके और मूर्ति के बल पर हम ध्यान करें तो मूर्ति की आकृति का ध्यान होगा, हम अंदर की सच्चाई को कहाँ देख पाएंगे। तो सच है 500 बरस तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी, यद्यपि भारत में मूर्ति कला की जानकारी बहुत अच्छी थी। ये हम अशोक के स्तंभों के ऊपर लगे हुए ये शेर इत्यादि के जो देखते हैं कलाकार थे, फिर भी नहीं बनी, बहुत बाद में बनी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे ये विद्या लुप्त होती चली गई, वैसे वैसे अब लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अन्य अन्य संप्रदाय के लोग इस देवी को पूजते हैं, उस देवता को पूजते हैं, इस ईश्वर को पूजते हैं, उस मूर्ति को नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हम क्या करें, चलो हम बुद्ध की बना लें मूर्ति, और ये चल पड़ा। आज हम देखते हैं कि विपश्यना में मूर्ति का बिल्कुल प्रयोग नहीं, वो परंपरा जो पुरानी है वही, मूर्ति का ध्यान नहीं, उसकी आकृति का ध्यान नहीं, कुछ नहीं। घरों में परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं, देखते हैं बाकी जगह तो अमुक को जाकर नमस्कार करते हैं, बच्चे अमुक को करते हैं, हम क्या करें, और उतने छोटे बच्चे विपश्यना भी नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए ठीक है एक मूर्ति है और नमस्कार करते हैं, ये करते हैं, उधर आरंभ हुआ उनका, कह कह गए हुआ धर्म का। लेकिन सिखाने वाले को बहुत सजग रहना पड़ता है कि धीरे धीरे उनको उस अवस्था पर ले जाना है जहाँ मूर्ति देख करके उसके गुण तो जरूर याद आए कि देखो ये बुद्ध की मूर्ति है तो बुद्ध के क्या गुण थे, वैसे गुण मुझ में आ रहे हैं कि नहीं, वो प्रेरणा प्राप्त करे वहाँ तक तो ठीक। और कहीं वो उसको ईश्वर मान करके उसको धूप दीप जला करके उससे कुछ मांगने लगे तो बिगड़ जाएगा, तो ऐसा बिगड़ने न दें, उतना ही भर उसका प्रयोग है और उसका प्रयोग नहीं। चल आगे करें या ऐसे करें? ठीक, जब बुद्ध कैसे थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई साक्षी नहीं है, तो जो बुद्ध की मुद्राएं हैं प्रचलित, उनका आधार क्या है? बुद्ध की जो आकृति है वो तो मैं समझता हूँ कि कलाकार की अपनी कल्पना है, बहुत सुंदर चेहरा होना चाहिए, बड़ा शांत चेहरा होना चाहिए, करुणा भरी आँखें होनी चाहिए, इसको लेके बनाया होगा क्योंकि मूर्तिकार ने बुद्ध का दर्शन किया नहीं। जहाँ तक मुद्राओं की बात है, ये जो 3-4 मुद्राएं प्रचलित हैं वो उनके जीवन की घटनाओं को लेकर के की गई, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है, बैठे हैं और एक हाथ घुटने से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर है। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले जो मार ने आकर के उन्हें कहा कि ये तेरा स्थान नहीं है तो यहाँ से उठ जा, और वो कहते हैं नहीं मेरा स्थान है, मैंने सारी पारमिताएँ पूरी कर ली है, इसलिए मैं पात्र हूँ इस स्थान पर बैठने का, बुद्धत्व प्राप्त करने का। तो वो भूमि को स्पर्श करते कहते हैं कि मैंने अपनी पारमिताएं पूरी की हैं और ये धरती इस बात की साक्षी है, ये साक्षी देगी कि मैंने की है। तो वो हाथ लगाने से एक धीमा सा प्रकंपन पृथ्वी पर हुआ, ऐसी एक मान्यता चल रही है, उस मान्यता के आधार पर ये भूमि स्पर्श मुद्रा हुई। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, पहली बार धर्म जब सिखाया तो यूँ ऐसी मुद्रा है जिससे मानो धर्म का चक्र प्रवर्तन कर रहे हैं, धर्म सिखा रहे हैं, तो उसकी एक चल पड़ी। अभय मुद्रा है, वरद मुद्रा है, ये सारी की सारी अब उनके किसी न किसी बात को लेकर के ये मुद्राएं बना दी गई। बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरी ये मुद्रा है और ये है। आपने मार का जिक्र किया, ये मार कौन था, ये भी प्रतीक है या वाकई कोई ऐसी शक्ति है? जैसे भगवान ने समझाया कि हमारे मन के जो विकार हैं वही मार हैं,
तो उनकी साधना में बाधा पहुंचाने के लिए जो कठिनाइयां आई वो उनके अपने ही संग्रहित विकार जो हैं, वासना के विकार होंगे, भय के विकार होंगे, अहंकार के विकार होंगे, वो सारे उस वक्त जोरों से उठे होंगे और उनका सामना करना पड़ा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी एक मान्यता चलती है कि कोई एक देवलोक ऐसा है जिसका अधिपति मार है और उसको अपनी नासमझी से ही उसका मंतव्य यही रहता है कि ये जन्म मरण के चक्कर से कोई बाहर ना निकले, इसी में रहे, उसी में वो बड़ा प्रसन्न अपने आप को मानता है। तो जो कोई आदमी निकलने का प्रयत्न करता है उसके लिए बाधाएं पैदा करता है, तो एक व्यक्तिकरण भी उसका हो गया। लेकिन हम तो कहेंगे कि विकारों को ही महत्व दें, विकार हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमारे मार हैं, और हम इन विकारों से जीत गए तो हम मार से जीत गए। बुद्ध के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना पूर्णिमा को, इसके पीछे क्या कोई अर्थ है या एक संयोग? प्रकृति पूर्णिमा के दिन बड़ी स्वच्छता लिए हुए जागती है, चारों ओर निर्मलता होती है, शांति का माहौल होता है, प्रसन्नता का माहौल होता है। तो हम देखते हैं ध्यान करने वाले ध्यानियों को पूर्णिमा बहुत अनुकूल होती है, तो इसलिए वो व्यक्ति अनेक जन्मों से अपने को पूर्ण किया आ रहा है, पूर्ण किया आ रहा है, अब वो पूर्ण हुआ तो उसका हर काम महत्वपूर्ण काम पूर्णिमा को ही होगा। जबकि उनकी सारी जो आवश्यकताएँ थी उस अवस्था तक पहुँचने की वो पूर्ण हो चुकी, अब और कुछ नया करने के लिए नहीं रह गया उसे, तो इसलिए पूर्णिमा 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 का महत्व मैं यही समझता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध होने निकलता है या होना चाहता है, इसमें जो प्रकृति है वो उसका सहयोग करती है या उसमें कोई मतलब नहीं? उसका बहुत मतलब है, ये यही तो बात उन्होंने खोज निकाली। और ये दिन रात साधना में देखा जाता है कि जैसे ही हम अपने भीतर कोई विकार जगाएंगे, क्रोध जगाएंगे, तो उसकी एक तरंग पैदा होगी और हर तरंग की अपनी विशेषता है। क्रोध की तरंग इसी प्रकार की होगी, वासना की तरंग इसी प्रकार की होगी, भय की तरंग इसी प्रकार की होगी। तो जैसे ही किसी ने क्रोध की तरंग जगाई तो सारे विश्व में जितनी क्रोध की तरंगें हैं उनके साथ समरस हो जाएगा, तो वो जितनी क्रोध की तरंगें हैं वो उसे बल देने लगेगी, तो वो क्रोध के बाहर निकलना उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे ही वासना की तरंगें, ऐसे भय की तरंगें, ऐसे अहंकार की तरंगें, ठीक इसी तरह उसके विपरीत हमने राग की तरंगें न जगा करके वीतरागता की तरंगें जगाने का काम शुरू किया, तो सारे विश्व में वीतरागता की जितनी तरंगें हैं, अब तक जितने संत हुए और जितने भी बुद्ध हुए उनकी जो तरंगें हैं सारे विश्व में, सारा विश्व तरंगायित है उससे, एकदम उससे समरस हो जाएंगे, ट्यूनअप हो जाएंगे, हमको बल मिलने लगेगा। तो प्रकृति बल देती है, इस प्रकार बल देती है। बुद्ध की वाणी की वास्तविकता को कैसे सुरक्षित रखा गया है? एक तो बुद्ध के समय ही बुद्ध ने इस बात पर बल दिया कि जो मैं उपदेश देता हूँ उसे तुम लोग कंठस्थ करो, और बड़े प्रसन्न होते थे जब किसी को देखते थे कि वो अमुक हिस्सा उसने कंठस्थ कर लिया है। एक घटना, जो अवंती का राज पुरोहित था, भिक्षु हुआ कात्यायन, उसका एक शिष्य सोण, उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, और वो न होते तो क्या करते, उसमें बुद्ध का हाथ है, धर्म का हाथ बुद्ध की वाणी को इतने सालों में भी यथावत कैसे रखा गया है, सुरक्षित कैसे रखा गया है? एक तो बुद्ध के समय ही बुद्ध ने इस बात का बड़ा बल दिया कि इन उपदेशों को कंठस्थ करना चाहिए। हम ऐसे प्रसंग देखते हैं जैसे अवंती का राजपुरोहित भिक्षु हुआ, भगवान की वाणी उसने याद की तो अपने शिष्यों को भी याद कराई, तो उनका एक शिष्य सोण नाम का, जिसने कभी बुद्ध के दर्शन नहीं किए थे, आतुर हुआ कि जिनकी ये शिक्षा से मुझे लाभ हुआ उनका दर्शन तो करूँ, तो वहाँ से अवंती से चल करके वो आता है और यहाँ भगवान के दर्शन करता है। तो
तो उन्हें उपदेश कैसे ग्रहण किए, तो कहता महाराज पहले तो कंठस्थ किया फिर जीवन में उतारा। क्या कंठस्थ किया तो वो सुनाता है, एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेंट हिस्सा उसे सुनाता है। तो इसका मतलब कि उस वक्त याद करने की परंपरा बुद्ध ने स्वयं चलाई ताकि ये धर्म और ये वाणी जीवित रह सके। एक बड़ी बात हुई ये कि उनका चचेरा भाई आनंद उनके जीवन के पिछले 25 वर्षों में छाया की तरह उनके साथ रहा, एक पर्सनल अटेंडेंट की तरह। उसने एक शर्त लगाई ये पोस्ट लेने के पहले कि आप जहाँ कहीं उपदेश दोगे मुझको साथ जरूर ले जाओगे। किसी कारण से नहीं ले जा सके तो जहाँ कोई उपदेश दिया वापस आकर के मुझको उसी तरह सुनाओगे। भगवान ने स्वीकार किया। अब उस आदमी की मेधा इतनी बड़ी थी कि जिस बात को एक बार सुन ले उसे भूलेगा नहीं, उसे फिर दोहरा देगा। तो जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया इस तरह से। तो 25 वर्षों के तो सारे के सारे उपदेश रिकॉर्डेड हैं उसके पास, उसके पहले भी तो उसने उपदेश सुने ही हैं। भगवान बुद्ध की के परिनिर्वाण होने के कुछ महीने बाद ही एक भगवान की इच्छा और ये भी थी कि इस वाणी को बार बार समय समय पर लोग एकत्र होकर के इसका संगायन करें, कहीं भूल आ गई हो तो उसको सुधारें ताकि ये जीवित रहे और शुद्ध रूप में जीवित रहे। तो उसे संघायन कहा। तो पहला संघायन बुद्ध के परिनिर्वाण के 4 महीने बाद ही हुआ, उसमें सारे दोहराया गया, आनंद उसमें शामिल हुए। तो उन्हें याद है, बाकी लोग जितने 500 लोग बैठे हैं उन्हें याद है इस प्रकार ये संघायन हुआ। 100 वर्ष के बाद फिर एक संघायन हुआ, फिर अशोक के समय 250-300 वर्ष के बाद फिर हुआ। तो ये भारत में 3 संघायन हुए। बुद्धवाणी याददाश्त द्वारा उसे रखी गई, उसके 3 हिस्से किए। एक को सुत्त पिटक कहा, जो साधारण के उपदेश थे उनको याद करने वाले एक एक ग्रुप, एक परंपरा चली। एक विनय पिटक जो भिक्षुओं के लिए उपदेश दिए गए उनको कंठस्थ करने वालों की एक परंपरा चली, और एक अभिधम्म पिटक उसको कंठस्थ करने वालों की एक परंपरा चली। वो परंपराएं आज तक चल रही हैं। एक परंपरा ऐसी भी चली कि सारे के सारे त्रिपिटक को कंठस्थ करे, उसे त्रिपिटक धर कहा। तो वो जो त्रिपिटक धर की परंपरा थी वो आज तक चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। आज भी बर्मा में आज के कोई 4-5 वर्ष पहले एक ऐसा भिक्षु था जिसको सारा त्रिपिटक याद है, उसके भाष्य भी कुछ अंशों तक याद हैं, और उसने 4 ऐसे शिष्य तैयार किए जो आज भी सारे त्रिपिटक को, और कम से कम 15,000 पृष्ठों का साहित्य है, कोई छोटा साहित्य नहीं, वो सारा कंठस्थ। तो एक तो इस कंठस्थ करने के कारण अपने शुद्ध रूप में रहे, दूसरी बात अशोक के समय जो संघायन हुआ उसमें ये विद्या भारत के बाहर भेजी गई, ये सारे वचन भी भेजे गए, ये साधना भी भेजी गई। तो आज लंका में, बर्मा में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इन 5 देशों में बुद्धवाणी अपनी अपनी लिपि में, भाषा वही पाली है, अपनी अपनी लिपि में, और उनका अपना अपना उच्चारण, सबके पास अपने अपने त्रिपिटक हैं। 6ठा संघायन जो हुआ अभी को 40 वर्ष पहले, जबकि उनू प्रधानमंत्री था उस समय, 6ठा संघायन हुआ, और इन सारे देशों से भिक्षु या गृहस्थ पंडितों को बुलाया गया और सब ने अपनी अपनी परंपरा की त्रिपिटक का पाठ किया। बहुत मामूली इधर उधर फर्क हुआ कि जैसे कहीं कोई छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है, या कहीं उच्चारण में भेद हो गया, लिपि में भेद हो गया, इस तरह की सी गलतियाँ। मूल बात वो कि वो रही, अर्थ कहीं नहीं बदला। तो इससे सिद्ध होता है कि लोगों ने भारत के बाहर जाने के बाद, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में गई और वैसी ही रही, तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। अगर कुछ हुआ भी छेड़छाड़ तो भारत में भगवान बुद्ध के बाद अशोक के समय तक कौन जाने कुछ हुआ हो, तो उसकी भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि लोग याद करने की परंपरा थी, 3 बार संघायन हुई, कहीं गलती हुई होगी तो सुधारी गई होगी। इसलिए ये मानने को जी चाहता है कि जैसे हमारा ये पुराना साहित्य कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया और भी इतनी सदियों के बाद वापस आ रहा है, तो अपने शुद्ध रूप में आ रहा है, और इसको देख करके हमको उस वक्त का भारत जैसे जीवंत हो गया, हमारे सामने प्रकट होता है, इसलिए महत्व देते हैं। और अंतिम प्रश्न गुरु जी, बुद्ध के आखिरी वचन क्या थे? जैसे बुद्ध का प्रथम वचन बहुत प्रेरणादायक है, सारा रास्ता खोल देता है कि ये क्या सिखा रहे हैं, सारी बात सामने आती है। ऐसे ही अंतिम वचन भी, जैसे वो हमें विरासत में ले गए, आखिरी बोल हैं वै धम्मा संखारा
अपमादेन संपादेथ। ये जो सारे संस्कार हैं चित्त और शरीर के, जो कुछ निर्माण हो रहा है वो सारा व्यय धर्म है, अनित्य है। इस सत्य को लग गया हाथ? अच्छा पी, ठीक ठीक ठीक। अंतिम बोल बड़े महत्व के हैं। जैसे बुद्धत्व प्राप्ति होने पर पहले बोल किसी भी समझदार व्यक्ति को एक प्रेरणा जगाते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे अपनी सारी विरासत इन थोड़े से शब्दों में दे गए अंतिम बोल, वै धम्म संखारा अपमादेन संपादेथ। ये सारे के सारे संस्कार, संस्कार का मतलब चित्त की जो प्रतिक्रिया है उसको तो संस्कार कहते ही हैं, पर जो कुछ निर्माण हो रहा है शरीर और चित्त के स्तर पर जो निर्माण हो रहा है वो सारा अनित्य है, वे धर्म है। इसको ऐसे ही मान के नहीं रह जाना। वै धम्म संखार अपमादेन संपादेथ, बिना प्रमाद के सजग रह करके इसका संपादन करना है, माने इसको अनुभूति पर उतारना है। ये अनुभूति पर उतारते जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मानो ये उनके आशीर्वचन है, ये उनका आदेश है, ये एक विरासत उन्होंने दी है विपश्यना की, कि ये जो अनित्य है इसका दर्शन करते जाओ, नित्य तक पहुँच ही जाओगे, शाश्वत तक पहुँच ही जाओगे, इससे दूर मत रहो, इसके साथ रहो, ये उनकी देन है। छुट्टी।